गुड इवनिंग, आई एम संतोष टपले. जस्ट डोंट मेक टू मच हरी ऑफ पुटिंग योर अटेंशन. लिसन टू द इंस्ट्रक्शन. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन स्नेक्स अगेन. दिस इज द पार्ट टू लेक्चर बिकॉज पार्ट वन इज ऑलरेडी कवर्ड वन डे बिफोर. सो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज जस्ट पुट इन चैट बॉक्स वेदर आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज विजिबल. द स्क्रीन विल बी लाइक दिस. जस्ट वेट. नाउ इट्स इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट कैन कंटिन्यू. Okay, as per your confirmation about voice clarity and picture clear visibility, that is presentation, without your permission, I will go ahead with the little revision of last lecture where we covered approximately 100 slides. So, jada vakt nahi lunga, 1 minute nahi lunga har slide ke piche, shayad 2-3 seconds lunga. Is hisab se hum pichle 100 slides patapat cover karenge. तो लास्ट टाइम हमने शुरुआत की थी कि हम हिंदी में बात कर रहे ताकि जब कंटेंट में चला जाए यूट्यूब के तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग हिंदी भाषा की जानकारी रखते हैं. देन सेकंड वी टॉक दैट स्नेक्स के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है, फिर भी मैंने मराठी और इंग्लिश में एक एक इंटरनेट एडिशन वाली किताब लिखी है और वो कम से कम 4-5 लाख लोगों के पास पहुंची है. तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, जो आपके स्लाइड में दिख रहा है उन लोगों को जाता है, क्योंकि उनकी किताबें, उस तरीके के यूट्यूब वीडियो, उस तरीके के फोटोज और आजकल जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स में मिलता है वो जानकारी से मैंने वो किताब बनाई और ये लेक्चर भी उसी का ही एक आउटपुट है, ऐसा आप समझ सकते. दीज आर द सर्टन वेबसाइट्स. नाउ व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द ब्रीफ समरी, हमने बात की कि भाई 3000 तकरीबन टाइप के सांप होते हैं, कम से कम 280 टाइप के सांप तो इंडिया में ही होते हैं, उसमें से 52 टाइप के सांप जो है जहरीले यानी वेनमस टाइप के सांप है. उसमें से इंडिया की बात करें तो मेजर 4 बिग बोला जाता है वो हमारे आसपास मंडराते हैं या हमें और उनको एक दूसरे के रूबरू करते हैं ताकि उसकी वजह से हमको जान की जोखिम उठानी पड़ती है. एनीवेज, सांपों के बारे में जानकारी की कि वो प्रीहिस्टोरिक रेप्टाइल्स फैमिली से है, एंटार्क्टिका छोड़ के बाकी सब जगह टेम्परेचर कंडीशन सुटेबल और जीव खुद एडेप्टेबल होने के कारण पाया जाता है. उनकी बॉडी का बहुत सारा हिस्सा पानी होता है 70% तक, बट खाना उनका जो है वो उनके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, तो उसके कारण वो खाने बगैर, मतलब पाइथन अजगर जैसा जीव 2 साल तक खाने बगैर रह सकता है. फिर हमने बात की कि भाई बहुत सारे टाइप हैं जो आगे देखेंगे, बट इम्पोर्टेंट टाइप्स है नॉन वेनमस जिसमें जहर नहीं है, वेनमस यानी जिसमें जहर है, और जिसमें माइल्ड वैरायटी का सलाइवा मतलब जो अपने लाल ग्रंथि होती है उस टाइप का जो जहर है उनको सेमी वेनमस बोलते हैं. फिर हमने नॉन वेनमस और सेमी वेनमस कैटेगरीज कवर की. ब्राह्मिणी वर्म स्नेक उसके डिटेल्स देखे, फिर हम आगे बढ़े, फिर बिग वर्म स्नेक की ये जो चोंच जैसा चीज है, टोपी, नाखून बोल सकते हैं, वो चीज दिखी. फिर नेक्स्ट वी वेंट टू द शील्ड टेल, हिप्सन शील्ड टेल देखा, फिर हमने महाबलेश्वर शील्ड टेल देखा, उनके फोटोज देखे, फिर इंडियन रॉक पाइथन जिसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं, हम आगे जाके कवर करेंगे, उसके फोटोज देखे, क्लोज व्यू ऑफ उसके हेड देखा. वी वेंट इनटू द अदर कैटेगरीज ऑफ पाइथन, रेटिकुलेटेड पाइथन, बर्मीज पाइथन, और हम फिर गए बोआ कैटेगरी में जिसमें बोआज आर द कॉन्स्ट्रिक्टर्स, मतलब वो दम को मतलब करके कॉन्स्ट्रिक्ट करके अपने प्रे को मारते हैं. तो वो है भाई यहाँ पे एक सैंड बोआ है. बहुत सारी गलत फहमियों के साथ ये जीव जीवित है क्योंकि बहुत ज्यादा एडेप्टेबल है. मैंने उदाहरण दिया था कि हमारे घर की खुदाई के वक्त जब 10-12 फीट नीचे गए जमीन के तभी ये मिला था हमें. देन वी वेंट मंडोल, दैट इज रेड सैंड गोवा, अर्थ गोवा, और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है. और ये दोनों जीवों को मारा जाता है क्योंकि उनकी स्किन जो है उससे पर्स के जूते या फिर बेल्ट बनते हैं. इनके बारे में हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ा है तो आगे नहीं जाएंगे. ट्रिंकेट तस्कर, ये बहुत ही फुर्तीला टाइप का कहीं भी जा सकता है इसलिए उसको तस्कर बोलते हैं. ये साफ है उसी कैटेगरी में मोटाना ट्रिंकेट है. फिर आगे जाके हमने एटीएन रेड स्नेक वेरी End of farmer, ऐसा बोला जाता है. तो ये भाई रेड स्नेक है, दिखता है कोबरा यानी
इसकी तरह नाक की तरह, बट नॉन वेनमस, मतलब जिसमें जहर नहीं है, ऐसे टाइप का सांप है, काफी फ्रेंडली होता है, बट कभी कुछ सेल कंडीशन में हो तो जोरों से काटता है कि आपको ऐसे लगे कि जैसे कि अभी आप मरने की बात। ये उसका फोटो है। उसके पैटर्न की हमने बात की, उसी कैटेगरी में छोटे टाइप के, ये बैंडेड रेसर, पट्टे स्लेंडर रेसर, यानी चित्रांगना, गुंथर रेसर बोलते हैं। फिर ब्लैक हेडेड स्नेक रजत बंसी, गुजरात राजस्थान के एरिया में, सैंड वाले एरिया में मिलता है। बैंडेड कुकरी की बात की हमने, बहुत ही शांत और बहुत ही इंटरेस्टिंग जीव है, छोटा होता है, देख सकते हैं। उसी में रसेल्स कुकरी, देन ब्रॉन्ज बैक की हमने बात की, ये बहुत ही लंबा बड़ी आंख वाला पेड़ पे रहने वाला, उससे जुड़ी गलत फहमियों पे हमने बहुत देर। कॉमन वुल्फ स्नेक की बात हमने इसलिए की क्योंकि ये मणियारिया ने क्रेट, जो बहुत जहरीला सांप है, उससे मैच खाता हुआ जीव है, इसका क्लोज व्यू है। ये उसी वैरायटी का बार्ड वुल्फ स्नेक है, काला बिल्कुल ही क्रेट की तरह दिखता है, बाद में कंपैरिजन करेंगे। फिर हम चले डोमेरिल्स ब्लैक हेडेड स्नेक कार्टोन है, ये भी कोरल स्नेक, ये वो जहरीली प्रजाति से थोड़ा मेल खाता है। फिर हम आगे बढ़े चेकर्ड किलबैक, किलबैक वैरायटी में ये चेकर्ड है, पानी में पाया जाता है, वाइट, बहुत ही पेनफुल होता है, शायद मछली पकड़ने के उसके करतब में मदद करता होगा। फिर स्ट्रिप्ड किलबैक की स्टोरी बताई कि भाई एक मारने से दो की मौत है, दो के बाद चार की मौत है, चार के बाद छह की मौत है। तो ये स्ट्रिप्ड किलबैक रेनी सीजन का फेवरेट है, कोंकण रीजन में बहुत पाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है। ग्रीन किलबैक्स, फिर ऑलिव, फिर वेड ऑम्स, बहुत सारे वैरायटी के किलबैक्स यहाँ पे हमने देखे। फिर हम सेमी वेनमस गए, जिसमें थोड़े ना जानकारी रखे हुए स्नेक्स की बात की, चिकनी नाइकुल यानी ग्रोसी बेलेड रेसर, डॉग फेस्ट वाटर स्नेक की हमने बात की, जो अंडमान निकोबार एरिया में मैंने देखा था खुद की फैमिली के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू है, यहाँ उसका क्लोज व्यू है। देन वी वेंट इनटू द मार्श स्नेक, रेड झीलन, ग्लोसी मार्श स्नेक, ऑर्निड फ्लाइंग स्नेक, कि स्नेक उड़ भी पाता है, वो उड़ नहीं पाता है, ग्लाइड कर पाता है, ऊपर से नीचे आता है ग्रेविटी से, अपने बॉडी का शेप इस्तेमाल करते और एरोफॉइल शेप बना के, बट वो उड़ नहीं पाता, ये बहुत जरूरी गलतफहमी हमको हटानी होगी। देन वी वेंट इनटू द इंडियन कॉमन कैट स्नेक, उसी के कुछ वैरायटी, उसके आई पिपिल जो है हमने करीब से देखी कि कैसे वर्टिकल है, बनी माऊ बिल्ली की तरह। देन सिलोन कैट स्नेक उसी का कैटेगरी का, बेडम्स कैट स्नेक, होस्टन कैट स्नेक, ये बहुत लंबा वाला, ये मेरा ही फोटो है आई थिंक। देन वी टॉक्ट अबाउट पट्टेरी रेती सर, जो भी उस तरीके के सैंडी एरिया होते हैं वहां पे जो सांप पाए जाते हैं, उनके स्टाउट लेथी सैंड स्नेक, ये देखने के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट नॉन सेमी वेनमस कैटेगरी के सांप के पास आए, एंड दैट इज कॉमन वाइन स्नेक, हरण टोल। हमारे यहाँ, मैं करनाला बर्ड सेंचुरी के नियर बाय रहता हूँ, तो हमारे यहाँ ये बहुत भारी मात्रा में पुराने जमाने में मिलते थे, आज भी मिलते हैं। तो ये है, ये सेमी वेनमस है, लंबा रहता है, हॉरिजॉन्टल पुपील है, देख सकते हैं आप, यहाँ तो क्लियरली दिख रही है, पीछे की तरफ हल्के दांत होते हैं, सलाइवा के कारण उसके प्रेज वगैरह जो है वो बेसिकली उनपे इफेक्ट होता है, हमारे लिए कुछ ज्यादा तकलीफ देह नहीं है, अगर आप डरे नहीं। काफी लंबा सांप यहाँ पे दिखाया है। फिर उसी कैटेगरी का ब्राउन वाइन स्नेक पे हमने बात की, इन सारे सांपों की गलत फहमियों के बारे में बात की, और एक मैंने न्यूज आपको दिया कि इंडियन एग्रीकल्चर, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था पिछले 5 7 8 साल पहले, तो पकड़ के चल रहे थे क्योंकि जिन रेफरेंस बुक को हम रेफर कर रहे थे कि भाई ये एक्सटिंक्ट हुआ हुआ विलुप्त प्रजाति है, ओके, बट आज की डेट पे फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप पे इनके फोटोज वीडियोज कभी देखे जा पाते पाते हैं, और उसके कारण समझ में आया कि नहीं, ये पूरी तरह विलुप्त नहीं हुआ, बट कम जरूर हुआ। इनके गले में एक छोटी सी हड्डी या स्पाइन के साथ काटा रहता है, जिससे ये अंडे फोड़ के उसका कवच सेपरेट करते हैं। तो ये उसका फोटो है। नाउ आज नाग पंचमी है, तो नाग जो वेनमस यानी जहरीला सांप है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी गलत फहमी आई। इंसान, अभी हमारा लेक्चर शुरू हुआ है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 2 मिनट दूंगा, बट मैंने 10 मिनट, मुझे माफ कर दीजिए, ओके। नाउ आई विल बी कवरिंग नेक्स्ट पोर्शन इन अनदर 1 आवर, मे बी 1 आवर 15 मिनट, नॉट बियॉन्ड दैट। तो ये वेनमस सांपों की कैटेगरी में हम जा रहे हैं। इंसान ने अगर सांपों के बारे में गलत फहमी पालना शुरू किया, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट कारण था कि
कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था जब इंसान इवॉल्व हो रहा था कि भाई शेर काट ले, भालू काट ले, असल कुछ भी काट ले तो इंसान का हाथ गंवा देगा, पांव गंवा देगा, जो भी होगा। बट अगर पॉसिबिलिटी की कंपैरिजन करे कि सांप ने काट लिया और किसी भालू ने काट लिया, तो चांसेस है कि भाई भालू के बारे में काटने के बाद हम इंसान की जीवित रहने की बारे में कुछ ना कुछ तो भविष्यवाणी कर सकते हैं। सांपों के मामले में ये बिल्कुल ही अनसुलझी पहेली थी। आज तक गांवों में यही हाल। मैंने मेरे आंखों के सामने ऐसे लोगों को इलाज करते हुए देखा है जिनको कुछ भी पता नहीं है, और मरीज को इस हालत में देखा है कि उसमें आगे जाके जो हम पढ़ने वाले वो सारे साइड इफेक्ट्स बेनमस से के नजर आ रहे थे, और बात यही हुई कि 2-4 घंटे के बाद पता चला कि वो मरीज अभी रहा नहीं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण सांपों को धीरे 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 इंसान ने शत्रु बना दिया, बट मानना शुरू किया। बट जो इवॉल्व यानी सिविलाइज्ड पॉपुलेशन था, जैसे हमारा भारतवर्ष, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे उनका महत्व पुराने जमाने से आज तक है। अभी किताबों में रह गया क्योंकि लोगों को जब हम बताने जाते हैं कि सांपों का एक अपना महत्व है, जो भी ये जो हम जिसको बोलते हैं अन्न साखळी, ओके, फूड चेन, इसका वो जरूरी हिस्सा है, तो लोग समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे मैंने पहला वेनमस स्नेक दिखाया, बट मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा। ये एक्चुअली मैं इसमें नहीं जाना चाहिए था, मुझे पहले कोबरा में जाना चाहिए था, ऐसा आप सोचेंगे, बट देन थोड़ा क्लाइमेक्स होना चाहिए तो मैं इसमें चला जाता हूँ। क्रेट, ओके, कॉमन क्रेट, मण्यार, सिंपल, कहाँ मिलता है? पूरे हिंदुस्तान में मिलता है, सब जगह मिलता है, ओके। अभी इफेक्ट क्या है? तो भाई इसका जो वेनम है, मतलब इसका जो जहर है, वो नॉर्मल नाक, स्पेक्टेकल्ड हो या मोनोकल्ड हो या मोनोसिलेट हो, इनसे कम 5 से 8 गुना ज्यादा पोटेंट होता है, इंटेंस होता है। मतलब क्या है कि मान लो एक सीमित स्पेसिफिक मात्रा का जहर हम ले ले और उसका इफेक्ट हम ह्यूमन बॉडी पे या लिविंग वो बींग्स पे देखे, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट या चांसेस ऑफ हैविंग, मतलब कुछ डेथ परसेंटेज, ओके, उसको बहुत सारी चीजें उसमें LD50-50 आता है, आप बच्चों को ऐसा सुनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो उसमें इसकी जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ जो दिखाया वो नॉर्मल कॉमन मणियार है, आप देख सकते हो यहाँ फोटो में, आगे जा रहा हूँ आपको थोड़ा, यहाँ मैं स्लो चलूंगा, आप देख सकते हो बॉडी के साइज का ही आगे जाते जाते सर, राउंड आंखें हैं। आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि सर के ऊपर, नेक के ऊपर, नेक के पीछे, थोड़ा आगे और भी आगे कोई बैंड्स नहीं। बट जैसे ही मैं शुरुआत का थोड़ा हिस्सा कर देता हूँ, देखिए थोड़ा हिस्सा मैं मार्क करना चालू किया, इसको क्रॉस करके जैसे उस तरफ जा रहा हूं तो बैंड्स शुरू हो गए। ये जो बैंड्स शुरू हो गए वो आखिर तक जाएंगे। अभी आप बोलेंगे इतना बारीकी से इतने जहरीले सांप को देखना है? 100% जवाब यह है कि नहीं देख, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो थोड़े बहुत जानकार है वो हम कैसे पहचान करते हैं इन जीवों की। तो ये इस तरीके का जीव है, जैसे मैंने बोला था कि एक उल्फ स्नेक है, कौड़िया, उसका काला कलर भी आता है, थोड़ा ब्राउनिश और विटकरी, मतलब कीट जैसा कलर भी आता है। बट ये काला कलर का कौड़िया, काला कलर का ये, और गलती से काले कलर का नहलाया हुआ कुकरी स्नेक, एवरीथिंग विल लुक लाइक अ क्रेट ओनली। 4 दिन पहले ही हमारा एक स्टूडेंट आ गया हमारे ही ऑनलाइन क्लास का और बोला, सर रात को हमारे घर पे कांडर आया था, सूर्य कांडर, ओके, वो हमारे यहाँ बोलते हैं बेसिकली क्रेट को, बोला मारा उसको पकड़। तो मैं बोला भाई साहब एक काम करेंगे, जरा घर जाके पिताजी को जरूर बोलना फोटो भेज। फोटो भेजने के बाद 100% श्योरिटी थी कि वो कवड़िया था, जबकि उनके आसपास वाले, उनके घर, खुद या हमारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे कि बहुत बड़ा पराक्रम कर लिया, एक जहरीले सांप को दुनिया से हटा। तो उसकी जरूरत नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि ये गलतफहमियां और ये चीजें आज भी चल रही है, जबकि इंटरनेट में भारी मात्रा में डिटेल्स आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉमन क्रेट की, देन हम आगे जा रहे वॉल्सिन मणियार करके, अपने अपने तरीके से ये नाम दिए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन महाराष्ट्र कुछ जगह पे, और जैसे अपर पार्ट, ओके, नॉर्दर्न बोल सकते हैं आप, वेस्टर्न, ईस्टर्न महाराष्ट्र, तो वहां पे थोड़ा मिलता है, पूना में भी पाया गया है। बट ये जो है ये भी फोटो मैंने रखी, तो
मैं यहां भी दिखाता हूँ कि जो पैटर्न है वो कहीं हट नहीं रहा, सर के ऊपर ज्यादा नहीं है, पीछे जाते जाते भाई पैटर्न के ऊपर जो बैंड्स है वो है ही, यहाँ अच्छे से देख सकते हो। तो मतलब क्रेट के पहचानने की एक चीज तो पकड़ लेगी, सर के ऊपर नीचे की तरफ श्योर शॉट आपको बैंड दिखेंगे। अभी इन दोनों की थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर मैं करना चाहूंगा। तो पहले पहला वाला जो आपने पकड़ा था बैंडेड क्रेट, ये बोला जाता था जब मैं जो प्रकाश अम्टे जी है उनके हेमल कसा प्रोजेक्ट पे गया था, तो उनके यहाँ बाकायदा ये दो चार सांप उनके यहाँ है, उन्होंने बड़ा सा सांप मुझे दिखाया। मैडम आवाज आ रहा तो बड़ा सा सांप ये दिखाया बैंडेड क्रेट, ओके, एंड दिस इज मोर पोटेंट देन नॉर्मल कॉमन क्रेट। आप इसको तो आराम से कोई भी पहचान सकते हैं, ये ब्लू वाले को मत जाइए, इसको ये समुंदरी है, जो मैंने बोला था ना अंडमान निकोबार में स्कूबा के टाइम पे हमने देखा था वो टाइप का। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इस येलो की बात कर रहे हैं, ये एक नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है। प्रकाश अम्टे जी खुद मेरे से बात किए थे, तभी बोले कि देखिए कितनी बड़ी गलतफहमी है कि ये हमारे यहाँ इस चंद्रपुर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में बहुत मिलता है। आज व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप पे आप देखोगे कि बहुत सारी जगह पे ये सांप मिलता है, और ये इतना इसका वेनम पोटेंट है। अच्छी बात ये है कि बहुत शांत रहता है, बट आप किसी का कुछ भरोसा नहीं ना, कभी भी आपसे कुछ चूक हो जाए और काट ले, और अगर सपोज कोबरा के काटने के बाद आपके पास एक अच्छे खासे बाइट के बाद सपोज 1.5 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय, तो वो समय इन सांपों के मामले में काफी हद तक कम हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर पोटेंसी ऑफ द वेनम। तो ये सांप है, ये सारे सांपों के बारे में बीच बीच में मैं रिपीट करता रहूंगा कि यू आर नॉट सपोज टू टच एनी डेड अज्यूम डेड सांप, किसी भी चीज को बेवजह हाथ नहीं लगा। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी को टच किया, नाम है क्रेट, और ये सांप के बारे में इतनी सारी गलतफहमियां इसलिए है कि सचमुच ये सांप के काटने के बाद 2, 4, 6 घंटे बाद अगर आपको एएसवी एंटी स्नेक वेनम नहीं मिला, अपने यहाँ पॉली वेनम्स होते हैं, मतलब सब कैटेगरी का मिल जुल के हिसाब है, एक बनाने के लिए 0.4, 0.3, 0.3, ऐसे इस तरीके से वो लोग चलते हैं। तो ये जो उनका जैसे हाल ही में आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के किसी ट्राइबल हॉस्टल में रात को काफी बच्चों को तकलीफ हुई, और सुबह जब हॉस्पिटल पहुंचने के पहले कुछ बच्चे, बहुत सारे मतलब कुछ बच्चे डायरेक्टली मर गए। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि रात को शायद उनके घर में उनके हॉस्टल में सोने की जगह में डॉर्मेट्री में एक क्रेट आया होगा, शांत जीव है बट कुछ भी मूवमेंट दिखेगा तो उसको हल्का फुल्का तो बाइट करेगा, दांत भी बहुत छोटे होते हैं, और इसका अब जब उसका जो इफेक्ट्स है वो देखेंगे तो समझ में आएगा बहुत लास्ट स्टेज में इसका इफेक्ट फील होने लगता है। तो उसके कारण छोटे बच्चों को समझा नहीं होगा, और पोटेंसी ऑफ द वेनम, बच्चों की अपनी कैपेसिटी, ये सब मद्देनजर एक सांप ने काफी लोगों को हानि पहुंचाई, काफी जीव हानि वहां पे हुई। तो इसलिए ये सब तो साफ है, इनसे डरना नहीं है, जानकारी बटोर के रखनी है, आगे हम इस पे भी बात करें। तो हमने ये सब कवर किया, ये हम थोड़ा फास्ट कवर करेंगे क्योंकि अब तक के मेरे जर्नी में मैं कोरल स्नेक नहीं देख पाया, जबकि आप देखेंगे ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये रीजन में काफी है, और आप फोटो भी देख सकते हो, ये डिमेरिल्स ब्लैक हेडेड स्नेक जैसा दिखता है, बट इसकी पूंछ जो है थोड़ी स्टाउट है, स्लेंडर होके खत्म नहीं हो रही। और भी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके पूंछ के पीछे वाले पैटर्न में कलरफुल पैटर्न है, और अगर हम स्ट्रिप्ट कोरल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उसको कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है। अमेरिका यूरोप में बच्चे इसको खिलौना समझ के बहुत बार हैंडल करते हैं और उसमें वो काट लेता है, बट उनके यहाँ की मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन इज फार बेटर देन एटलीस्ट गरीब देशों से। और फिर ये सांप का भी एक पॉजिटिव पार्ट है कि इसके दांत बहुत छोटे छोटे होते हैं, सांप ही खुद बहुत छोटा है, आपको यहाँ उसका साइज बताया 114 सेंटीमीटर के आसपास लगभग होता है मैक्सिमम, तो ये छोटी साइज है, तो उसके कारण उसका काटना, उसका वेनम अंदर डालना, ये काफी कम मात्रा में होने के कारण उसका डेथ ज्यादा नहीं। ये मैं इसलिए कवर किया क्योंकि अभी हम इम्पोर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं, ये मोनोसिलेंट या कोबरा है, एकाक्ष नाग, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इतना ही कि ये जो एकाक्ष है ये राउंड वाला जो है, यहाँ पे आपको अच्छे से फोटो दिखेगा, ये जो है ये मोस्टली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, इस बेल्ट में पाया जाता है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मिलने वाला स्पेसी है ये स्पेक्टेकल को।
ये स्पेक्टेकल्ड कोबरा और मोनोसिलेट कोबरा या मोनोकल्ड कोबरा एकाक्ष और चश्मा नाक के बीच में फर्क ये है कि एकाक्ष नाक बहुत ज्यादा ऑफेंसिव, थोड़ा ज्यादा गुस्सेल होता है, बट बेटर पार्ट ये है कि उसका जो पोटेंसी है या उसका जो क्वांटिटी ऑफ वेनम इंजेक्शन है वो काफी कुछ मात्रा में स्पेक्टेकल्ड नाक से कम है, और इसी के कारण उस सांप के काटने से ये सांप का मतलब स्पेक्टेकल्ड कोबरा का काटना ज्यादा हानिकारक माना जाता है। वैसे काटना सबका हानिकारक है, आपको एएसवी लेना ही पड़ेगा, पर जो चांसेस बचने के हैं एएसवी को मिलने में लेट हो गया तो भी, वो तो इसके मामले में ये बेटर है। नहीं, ये स्पेक्टेकल कोबरा है, आप हमेशा देखते हो, मैंने बोला था इसके बारे में जब बात करेंगे तो पूछ दिखा पा रहा हूँ क्या? नहीं दिखा पा रहा। तो इसकी जो पूछ है नॉर्मली आप देखोगे थोड़ी स्टाउट होती है, मतलब थोड़ी मोटी होगी, मोटी पे ही खत्म हो जाएगी। वही आप रैट स्नेक की बात करोगे तो रैट स्नेक की पूछ लंबी चलती है, बारीक होके खत्म हो जाती है, तो मतलब आप उससे इसको कंपेयर कर सकते। अभी आप बोल रहे इसके ऊपर मैं ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि तो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह है उस पर हम अलग से बात करें। ये किंग है, किंग कोबरा सबसे बड़ा वेनमस स्नेक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बोलने की क्या बात है। यहाँ आपने कुछ चित्र दिखाए हैं, लेकिन ये आगे कुछ चित्र है क्या? ये है, ये भी है, ये भी है, ये स्पिटिंग कोबरा में नहीं जाएंगे। अभी सोचिए ये चित्र आपको मैंने दिखाया है, लगभग ये किंग कोबरा यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में 2 फीट खड़ा है ऐसा मान। ऐसा बोलते हैं कि किंग कोबरा नाराज हो जाए या आपको डराना चाहता है तो वो 4 साढ़े 4 फीट तक भी ऊपर तक आ सकता है, खड़ा हो सकता है, और उस अवस्था में वो उसका जो मैक्सिमम स्पीड है उस स्पीड से वो आपके पीछे आने की कोशिश कर सकता है या आ रहा हूं ऐसा दिखा सकता है। वैसे सोचिए इतना ऊपर उठे हुए सांप को देखने के बाद हमारी जो हालत होगी, और उस कंडीशन में वो सडनली पीछे लग जाए तो मुझे लगता है हमारा रनिंग स्टार्ट होने के पहले ही फेलिंग स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही गिरेंगे तो भाई साहब अगर ज्यादा गुस्से में नहीं है रुक गए तो बेहतर, और जल्दी से काट लिया तो इसके अंदर इतना वेनम होता है कि एक हाथी को भी मार दे। एक किंग कोबरा के अंदर इतना वेनम की मात्रा है उससे 30-32 लोग भी मर सकते। तो ऐसा एक कहानी था कि भाई आसाम में की चाय के बागानों में वगैरह केरल में होती है, वहां पे काफी किंग कोबरा पाए जाते हैं डेंस फॉरेस्ट में, ये सांप खा के ही जीते हैं। तो ऐसे किंग कोबरा ने किसी के नाक पे काट लिया तो भाई साहब ने आओ देखा था क्या, उनके हाथ में कोयता रहता है ना अपने इधर जो गांव में इस्तेमाल करते हैं, या वो कौन सा पिक्चर था चेन्नई एक्सप्रेस वाला कोयता, वो कोयते से उसने पहला काम तो जाके बचा। अभी ये इसमें फिल्मी कितना कहानी है सच्चाई कितना है मालूम नहीं, जो मैंने उड़ते उड़ते स्टोरी सुनी थी वो आपको सुनाई कि क्वांटिटी ऑफ द वेनम इज टू। यहाँ एक गौर करना चाहूंगा कि स्टोरी तो बताई वो गलत है कि सही मालूम नहीं, बट इम्पोर्टेंट है कि कोबरा वराइटी ग्रेट वराइटी के काटने के बाद आप वहां काट के खून निकाल सकते हो, अवल पट्टी बांध सकते हो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करने वाले सांपों के साथ एप्लीकेबल है, नॉट विद द वाइपर। तो यहाँ मुझे याद आया इसलिए बताया, इसका मतलब काटना है अवल पट्टी बांधनी है मालूम नहीं फिर भी ये सब आरएनटी करना है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ वो एप्लीकेबल है। नहीं, सो दिस इज किंग कोबरा, इसी का एक वैरायटी अलग तरीके का डेवलप है, ये स्पीटिंग है, इनके जो सामने के फैंग होते हैं उसमें होल होता है, तो प्रेशराइज्ड वेनम जब इनकी ग्लैंड से बाहर आता है तो नीचे की तरह होल्ड लॉक हो गया होगा तो सामने से स्पीट करता है। दिस इज जस्ट शो, इट्स कॉल्ड डिटेरेंस, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। डिटेरेंस क्या है? डराना, किसी को बोल दो कि मेरे घर पे भाई AK-47 रखा हुआ है तो आदमी आपसे बात करते हुए तमीज से बात करेगा, डर डर के रहे तो भाई इसने वेनम उड़ा दिया तो वैसे जीव जो है समझ जाते, हानिकारक भी है, गलती से आंख में वगैरह चला जाए तो काफी तकलीफ होती है। आपने रेमुलस विटेकर जी का यूट्यूब पे या डिस्कवरी पे काफी इसके बारे में वीडियोस देखा होगा, ये अपने इधर की प्रजाति नहीं। सी स्नेक मैंने बोला आपको मोस्ट वेनमस जीव है, इनके इफेक्ट भी अलग होते हैं, काटते नहीं। इसका उत्तम उदाहरण कि मछुआरे जब जाल में उनके मछली के जाल में सांप आते हैं तो एक मतलब अननोविंगली इग्नोरेंट के अज्ञानवश अज्ञानवश ये सांप को हाथ से उठा के बाहर फेंक, जबकि गलती से काट ले। तो मेरे ख्याल से अपने यहाँ इन स्नेक के वेनम के ऊपर एंटीडोट भी नहीं अनलेस अंटिल इम्पोर्ट किया जाए। तो ये बहुत सारी वैरायटी है, हुक नोट्स स्पीसी स्नेक है, ये क्रेट है, समुद्री मण्यार मेनी टूथ है, ये शॉर्ट सी स्नेक है, ये आपको कभी पाला पड़ेगा नहीं तो उसमें ज्यादा नहीं जा रहा। ये रसेल स्पाइक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्यों? क्योंकि ये वाइपर कैटेगरी का है। हमने अभी कोबरा देखा, पिंक कोबरा देखा, क्रेन देखा,
हमने कोरल्स नहीं किए, ये नहीं बोला तो भी ये कैटेगरी है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती और वेनम अटैक करता है, तो उसकी वजह से आपको जो इफेक्ट दिखते हैं काफी कॉमन टाइप करते हैं। वेनम ऑफ द वाइपर कैटेगरी इज डिफरेंट, इट अफेक्ट्स योर ब्लड सिस्टम, मतलब रक्ताभिसरण संस्था, ये आपने मराठी में पढ़ा होगा, तो वो वर्ड है इंग्लिश के लिए भाई, ब्लड सिस्टम है, एमियोटॉक्सिक है, तो ये क्या करता है, क्लॉटिंग करता है। और फिर आगे की स्टोरी मैंने भी महसूस की 1.5 साल पहले, जब मुझे इसी वाइपर कैटेगरी के एक सांप ने काटा और 5-6 दिन में आईसीयू में रहा। तो ये जो सांप है ये डेंजरस है, इसके कुछ अलग रीजन। तो लेट्स गेट इनटू दिस रसेल स्वाइपर। आप सामने चित्र में देख रहे हैं कितना हेप्टी सांप है, किसी को ऐसे लगेगा कि पाइथन है, और सुना रहता है कि पाइथन लेने अंदर जो है तो हैंडल करो, हीरोगिरी दिखाओ रस्ते पे जानवरों के सामने, और ऐसे में गलती से ये सांप काट ले, काट ही लेता है, क्योंकि हमेशा ही गहरा पानी शांत नहीं होता, वेनमस है, बहुत ही डेट्रीमेंटल है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी इंजेक्ट कर सकता है वेनम की, आपको सुला सकता है, और ये मालूम होने के बाद भी ये सांप शांत नहीं, बहुत ही गुस्सेल सांप है। ऐसा बोलते हैं कि सेकंड के 5वें हिस्से में, मतलब 1/5 ऑफ द सेकंड, ये 3 बार काट के रिकॉइल हो सकता है। अभी मैंने नहीं देखा, बट मैंने उसका फास्ट प्रॉम्प्ट बाइटिंग एक्शन देखा है बहुत बार, जब कहीं हमने उसको कॉल पे गए और किसी ने उसको हैंडल किया, तो ये चीज देखी है मैंने, इनका वो स्पीड, इनके सेंसिंग ऑर्गन और बॉडी की जो टोटल ताकत है स्टाउट बॉडी की, वो स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करने का इनका जो खासियत है, ये इनको वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पेसिस बना देता है। शॉकिंग है कि वाइपर कैटेगरी के सांपों के कारण ही दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। इवन आप बोलोगे कि हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा जो है वहां सट के आपको थाईलैंड मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट अपना, फिर उसके नीचे म्यांमार, ये सब, यहाँ इस जगह पे पीट वाइपर का इतना बोलबाला है कि पूरे उस एशियन रीजन में पीट वाइपर की इज द नंबर वन, इसकी वजह से मौतें होती है, उसको हम आगे देखें। ये हम बात कर रहे हैं रसेल स्वाइपर, घोड़स, लोग गलती से मैंने जैसे बोला सैंड बोआ को या उस तरीके के जीवों को रसेल समझते हैं और उनको मारते हैं, जबकि रसेल्स मरा हुआ भी हो तो उसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो मरने की एक्टिंग है। और जिनके साथ मैंने इसको थोड़ा समझा जाना, वो कैलाश दारूड़े करके इंडिया के फेमस, उनको बोलते किंग ऑफ रसेल, उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके साथ मैंने थोड़ा सीखा इस सांप के बारे में कि कैसे इतने जहरीले, इतने गुस्सेल, इतने फास्ट सांप को भी शांत किया जा सकता है। मैंने नहीं किया, मेरी वो शायद कैपेसिटी नहीं है, बट उनको मैंने देखा लिटरली सांप को सुला के उसके ऊपर हाथ रख के उसको उठा के अपने सर पे, ये सारी चीजें करनी नहीं होती है, बट किसी में उस लेवल का कॉन्फिडेंस और एक्सपर्टीज है तो उससे ये समझ में आता है कि एक्सपर्टीज की भी अपनी एक सीमा होती है, वो कुछ लोग लांग करके जाते हैं, जैसे कि चोपड़ा जी ने अभी गोल्ड मेडल पाया, तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सारी चीज की एक्सपर्टीज के लिए द बेस्ट दवाई इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस थ्योरेटिकली होती है, प्रैक्टिकली होती है, थ्योरी आज इंटरनेट पर भारी मात्रा में अवेलेबल है, प्रैक्टिकल की जहां तक बात है कुछ चीजों में प्रैक्टिकल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं, ये आपको पकड़ के चलना। तो ये उनका पैटर्न है, आगे भी कुछ फोटो दिखाए ताकि समझ में आए कि मौसम के हिसाब से, रहन सहन की जो जगह है उसके हिसाब से, उनका माहौल के हिसाब से रंग बदलता है स्किन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हमने कोबरा, क्रेट, फिर हमने बात की कोरल, ये सांपों के सामने वाले दांत जो है फिक्स्ड होते हैं, उनकी जो लाइन है वो जाके हॉलो दांतों की लाइन जाके कहीं ऊपर की ग्रंथि ग्लैंड में मिल जाती है, वहां से वो इंजेक्ट करते हैं। इनका जो है ये कोलैप्सिबल दांतों का, ये फैंग्स कोलैप्स होके अंदर बैठ जाते हैं, और जब जरूरत होती है तो मुंह उठा के, आप अगर यूट्यूब पे संतोष टकले एंड कात्रज स्नेक पार रसेल्स टेकिंग, क्या बोलते हैं, गांभई दे रहा है, हाँ हाँ यॉनिंग यॉनिंग रसेल, ऐसा मैंने एक छोटा वीडियो डाला, ऐसा पूरा मुंह फुलाया है उसने, उसमें उसके दांत भी बाहर आए हैं वो फैंग्स, तो वो चुभाता है और गलती से फंस जाए तो उनको निकालने के झंझट में वो उल्टा होता है। इसका मतलब ये नहीं, ये गलत फहमी है कि भाई सांप काटे और वो उल्टा घूमे तो ही आपको जहर चढ़े, नो, इवन बाय मिस्टेक आपके स्किन के ऊपर एक बूंद भी गिर जाए ऐसे ही, तो भी बॉडी में जो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है
उससे आपके ऊपर साइड इफेक्ट आ सकता है। चोट के ऊपर गिर जाए जहां से डायरेक्ट ब्लड कॉन्टेक्ट है तो बोलने की जरूरत है, इट्स इक्विवेलेंट टू बाइट। तो ये उनके फैंग्स का पैटर्न मैंने आपको बताया, ज्यादा टैक्सोनॉमी वगैरह आज हम पढ़ेंगे नहीं, अभी हम सॉफ्ट स्किल नहीं करते। छोटा है बट डरावने वाला है, क्योंकि मुझे बम्बू पिट वाइपर ने काटा और मेरे पिताजी को आज से तकरीबन 20 साल पहले सॉ स्केल वाइपर ने शायद काटा था, एंड द इफेक्ट वॉज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि वाइपर कैटेगरी। तो उनको कैसे काटा था, तो ये हार्वेस्टिंग पीरियड में हमारे यहाँ चावल की खेती होती है, तो ये भाई साहब जो ये सांप जो है, हम जैसे मैंने बोला कोल्ड ब्लडेड है, तो नॉर्मली धूप में आते हैं, और धूप में आने के बाद गलती से अगर वो सपोज जो धान की खेती का ये था उसमें वो बैठा होगा, पिताजी ने उसी को काट लिया, काटने में शायद सांप भी कट गया, तो कटते कटते उसने ऊपर वाले हाथ के ऊपर वाले पोर्शन में उसको पिताजी को काट लिया। अभी महसूस तो होना चाहिए, बट शायद सांप छोटा होगा या दांत ठीक से गए नहीं होंगे। आधा पौना घंटा उन्होंने काम किया, कुछ फील नहीं हुआ, उनको लगा गलती से वही धान के खेती का जो शार्प ब्लेड होता है उससे कट गया होगा या हल्का लग गया होगा। फिर धीरे धीरे महसूस हुआ, शाम को आए, हम उनको अस्पताल लेके गए, फिर उनको एंटीवेनम दिया गया, एंड देन जब एंटीवेनम देने के बाद वो घर आए, जैसे पहले पुराने जमाने में ये नहीं था कि 24 या 48 घंटा आपको घर में रख हॉस्पिटल में रखे, उनको शाम को ही डिस्चार्ज दे दी लेट नाइट। तो रात को उनके बेड के ऊपर जहां जहां भी बॉडी में होल होता है वहां से काफी मात्रा था, बट वो जिंदगी भर काम किए हुए व्यक्ति थे, एंटीवेनम ऑलरेडी बॉडी में गया था, तो ही रिकवर्ड वेरी फास्ट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ वाइपर कैटेगरी, आपको वाइपर काटने के बाद बॉडी में जहां जहां भी खून है या आपके आंख है या आपका यूरिन है यहां से खून आना शुरू होता है, तब तक वेट नहीं करना है, बट दैट इज वन वेरी प्रोमिनेंट सिग्नल। ये जो है ये कोंकण रीजन पर बहुत पाया जाता है, फुरसा फुरसा बोलते हैं सॉफ्ट स्केल वाइपर। मेरा अपना एक अनुभव है कि आप उसको बोलेंगे कि शिकार पे गया था, मैं शिकार पे नहीं जाता हूँ, आई सफारी बोलते थे कि जिन जो शिकार पे गए थे उनके साथ में गया था, और फिर हम बहुत देर बाद चलने के बाद कुछ हाथ न लगा तो एक खेत में बैठे थे, तो आपको ऐसे सौ चल रहा है, जैसे कटिंग सौ चल रहा है किसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, लकड़े के ऊपर सौ चल रहा है, पर्वत ऐसा आवाज आ रहा है, तो सब सोच रहे कि कुछ है प्रे जिसको अभी शिकार किया जा सकता है, शिकारी लोग सोच रहे थे। तो उसमें से जो मेरे करीबी दोस्त थे उनको ज्यादा ही आवाज आ रही थी कि भाई कहीं यहीं से आ रहा है, और जब हमने गौर से देखा तो उनके दो पांव के बीच में सौ स्केल अपनी कुंडली जमा के एक दूसरे के ऊपर स्केल घिस के आवाज कर रहा था, तो दैट इज सॉफ्ट स्केल। ओके, तो ये जो है ये वाइप करे तो बहुत तकलीफ देता है क्योंकि ये वाइपर कैटेगरी है, बट इसके अनुभव मेरे अपने हैं जो मैं आपके साथ शेयर किया, बोर मत हो जाइए। इसका भी एक पैटर्न, आप बोलेंगे कि आप कुछ आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं है, अपनी स्टोरी बता रहे हो और भागे जा रहे हैं। रियली स्पीकिंग मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये दोनों लेक्चर, दो दिन हुआ और आज का लेक्चर, इनका मकसद आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए तैयार करना नहीं है, तैयार करने के लिए इंस्पायर करना। इंस्पायर हो गए, ये लेक्चर आपने देख लिया, यूट्यूब पे इसका वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, आप कैटेगरी को लेके इंटरनेट पे डाल के आप अपना पीएचडी और लर्निंग और स्टडी या एक्सपर्टीज पाना कंप्लीट कीजिए। यहाँ 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ये काम होने से रहा, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से पैटर्न दिख सकता है इसके सर का, ये सांप नॉर्मली आप पहचान सकते हैं, ये साइड वाइंडिंग करता है। मैं बीआरसी मेरे ऑफिस जाता हूँ तो बारिश के सीजन में अगर थोड़ी देरी हो जाए शाम को, तो नॉर्मली ऐसे टाइप के सांप रस्ते पे वगैरह फुटपाथ पे पेडेस्ट्रियन पे साइड वाइंडिंग करते हुए दिखे, किसी को भी लगेगा छोटा सा जीव है, छू लू, तो छूने के बाद शायद आपको बहुत तकलीफ होगी ये बताने की जरूरत नहीं। तो दिस इज सॉफ्ट स्किन, ये उसका दूसरे टाइप का फोटो है। अभी ये पीठ वाइपर के, यहाँ हम नोज का नाकड़ा चापड़ा बोलते हैं इसको, चापड़ा बोलते हैं फॉर दी पीठ वाइपर। ओके, इसमें दूसरा एक मलबार वाइपर भी है, आप देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न है, ये मलबार पीठ वाइपर है और ये मेरा फेवरेट है मिस्टर बाम्बू पीठ वाइपर, ये भाई साहब ही मुझे काटा था और ऐसी जगह काटा था जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं, ये करनाला फॉरेस्ट में काटा था, जबकि हम ये पकड़ के चल रहे थे, यहाँ भी आप देखेंगे ना ऑक्टोरस भी का एरिया, डेंस फॉरेस्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। अभी हमारा कर्नाला बर्ड सेंचुरी अच्छा था बोल सकते हैं, अभी नहीं है कि उसके ऊपर इतना लोगों ने आक्रमण कर दिया है कि डेंस फॉरेस्ट तो बचा नहीं,
हर साइड से मैं करनाला फोर्ट के ऊपर चढ़ चुका हूँ, जा चुका हूँ। तो ऐसे हमारे गांव से एक बार कड़ी नाम का हमारा माउंटेन है, उसके ऊपर से मैं जा रहा था, तो कड़ी के टिप पे मुझे इसने काटा, दो बार काटा, मुझे महसूस भी नहीं हुआ। जब ब्लड फ्लो होने से शुरू हुआ तो मुझे समझ में अप्रोक्सीमेटली, नहीं नहीं ये वो नहीं, वहां से यहाँ मेरा ही वापस आते आते हवा गुल हो गई थी, तो साथ में भाई साहब को लेके आने का कोई चांस नहीं था। ये उसके पहले कभी किसी दोस्त ने मुझे दिखाने के लिए लाया था, तो उसका फोटो है। ये बाम्बू पिट वाइपर, ये बाम्बू पिट वाइपर जिसको हरा नाग भी बोला जाता है, हिरवा बोनस भी बोला जाता है, एक्चुअली ये सापड़ा है। तो ये बहुत ही, इसके भी बहुत वैरायटी है जो नॉर्थ ईस्टर्न या उस तरफ म्यांमार वगैरह साइड में मिलते हैं, आइलैंड साइड में, और उसकी वजह से काफी जाने जाते हैं कि एंटी स्नेक लेना होता नहीं। मेरे मामले में मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट, मैंने वहां से ही फोन कर दिया था, तो मेरे दोस्त राजू मुंबईकर जी, देन बाकी दो लोग प्रसाद शाह, उल्लास ठाकुर, ये पनवेल म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। पहुंचते ही मुझे चार एंटी वेनम एएसवी का डोज मिला, फिर मैं बीआरसी हॉस्पिटल गया। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये केस, बट फिर भी मुझे फायदा मिला और मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। वैसे बोलते हैं कि ये इतना पोटेंट नहीं है कि आपकी जान ले, बट कौन खेलेगा भाई, विषाची परीक्षा कौन बना। तो दैट इज वॉट, सो दिस इज माई एक्सपीरियंस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सांप है, आप देख सकते हो उसका स्टैंड। ओके, दिस इज बेसिकली अटैकिंग पोजीशन और एटलीस्ट डिटेरेंस दिखाने वाली पोजीशन। उसकी भी वर्टिकल आई पिपिल होती है, आप देख सकते हो, हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं। वाइपर कैटेगरी में, पाइथन में, इन कुछ सांपों में हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं, और उसकी वजह से ये सांप टेम्परेचर के, मतलब सोचिए कि मैंने हाथ रखा और मेरे हाथ के नीचे एक लकड़ा है, तो लकड़ा तो गर्म खून वाला नहीं है, मेरा हाथ गर्म खून वाला है, चिड़िया बैठी वो भी गर्म खून वाली, तो वो हीट को सेंस करता है कि ये उसका प्रे है। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 0.03 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड, अभी जो पढ़ने लिखने वाले ऑडियंस है उनको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये डिटेक्ट करने की कैपेसिटी इस पर्टिकुलर सांप में या इस टाइप के सांपों में होती है। अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि सांपों के बहुत सारे आकार के हिसाब से प्रकार क्या है। ये स्लाइड मैंने यहाँ रखा, आपने देखा, बाद में आप इसको यूट्यूब पे जाके देखेंगे। अभी हम देखेंगे उनके ऊपर जो स्केल होते हैं उनके हिसाब से क्या कैटेगरी है, ये भी मैंने यहाँ रखा, आप उसको होल्ड करेंगे यूट्यूब में, बाद में देखेंगे। पूंछ के हिसाब से, टेल्स के हिसाब से क्या कैटेगरी होती है, ये मैंने यहाँ रखा, आपने देखा, आगे चलते हैं। हेड के हिसाब से, आईज के हिसाब से, स्किन के हिसाब से, थर्मो रिसेप्टर्स के हिसाब से, टिप के हिसाब से, ये थोड़ा पढ़ना जरूरी है शायद आपके लिए। मैंने जो बोला था, फैंग्स ऑफ द सेमी वेनमस स्नेक्स, वाइन स्नेक, ऑर्नेट स्नेक आर ऑन द बैक साइड, पीछे की तरफ के जॉ में होते हैं। फैंग्स ऑफ द वेनमस वेनमस स्नेक्स छोटे होते, रिजिड होते, तो कोबरा और क्रेट के मामले में, लार्ज फोल्डिंग आर नॉर्मली रसेल्स वाइपर, बाम्बू पिट वाइपर। तो आप देख सकते हो कि वाइपर कैटेगरी में नॉर्मली बड़े और फोल्डिंग में फैंग्स होते हैं। अभी हम कंपैरिजन करेंगे, हमेशा ही पकड़िए कि आप जो स्क्रीन देख रहे हैं उसमें राइट साइड की तरफ वाला, मतलब उल्फ स्नेक जो है नॉन वेनमस है, जबकि क्रेट जो है उसी की तरह, अगर मैं ये उल्फ स्नेक को काला कर दूं तो ऑलमोस्ट सेम लगेगा, जबकि कॉमन क्रेट जो है वो वेनमस, हाईली डेंजरस, हाईली वेनमस। इसी तरीके से दूसरे बताते हैं, ये है स्लेंडर कोरल स्नेक वेनमस, डुमेरिल्स ब्लैक हेड स्नेक नॉन वेनमस। अभी आपको ज्यादा कंपैरिजन में नहीं जाना है, आपको क्या करना है वो आखिर में कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं कैट स्नेक और सॉ स्केल का कंपैरिजन, देखिए गौर से। ओके, तो हमने लगभग 40 मिनट का समय लिया है, अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे, और इस टॉपिक पे आपको फुल फ्रीडम है कि आप चैट बॉक्स में आपको आने वाला हर डाउट, आप बोलेंगे अभी मैं इतना सडनली सॉफ्ट क्यों हो गया, दिस इज द रियल लेक्चर, यही लेक्चर है जो लेने के लिए मैंने आपका 1.5 पौने 2 घंटा लिया, मतलब उस दिन वाला 1.25 घंटा, आज वाला आधा पौना घंटा, क्योंकि ये डायरेक्टली बताऊं तो आपको मजा नहीं आएगा कि मैंने सांप पकड़ लिया। नॉर्मली लोग प्रिफर करते हैं कि प्रैक्टिकली सांप लेके आओ, हमको दिखाओ, उसका एक्चुअली कुछ फायदा है? एक दिन आप 10 टाइप के, 20 टाइप के, 100 टाइप के सांप देखो, न देखो, आपको उससे कुछ नॉलेज नहीं मिलने वाला है, सिर्फ
फोटो सेल्फी निकालने का मजा आएगा, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आप डालेंगे और फिर बेवजह हीरो बनने की कोशिश करेंगे। सांपों का सही मायने में ज्ञान पाना है तो इस तरीके से थेरेटिकल पैटर्न में चलना है और प्रैक्टिकल विजिट करनी है स्नेक पार्क। जैसे मेरी अब तक विजिट हुई है कात्रा स्नेक पार्क, वन ऑफ द बेस्ट स्नेक पार्क। ऑल क्रेडिट गोज टू द फाउंडर नील कुमार खैरे जी। देन इफ यू गो टू द मद्रास चेन्नई स्नेक पार्क, वो है रिमिलस विटेकर, जई विटेकर, इनकी शायद। ओके, तो जो भी महान लोग हैं उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एक्टिविटी इंटरनेट पे इतनी है कि मेरे बोलने की जरूरत नहीं। एनीवेज, विषारी सांप मतलब वेनमस स्नेक्स के काटने के बाद आपको किस तरीके का इफेक्ट लक्षण दिख सकती है वो हम सिम्टम यहाँ देखेंगे। गलती से माइक ऑन कर दिया, ऑफ कर दीजिए। ठीक है, कोबरा बाइट, अभी कोबरा बाइट हो, क्रेट बाइट हो, कोरल स्नेक बाइट हो, तो कोरल की थोड़ा सिंपल ही बात करें। कोबरा एंड क्रेट ये बिग फोर में आने वाले दो प्रमुख जीव, प्रमुख सांप, प्रमुख जहरीले विषारी यानी वेनमस सांप, इनके मामले में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करने का मेन रीजन उनके जहर में है। और एरिया अराउंड द बाइट मतलब जहां काटा वहां पे धीरे धीरे हल्का स्वेलिंग आधे घंटे में महसूस होगा। तो क्या आधा घंटा आपको कुछ भी फील नहीं होगा? डिपेंड, जैसे अणुशक्ति नगर जहां मैं रहता था, जहां मैं रह सकता हूँ, जहां मैं जॉब करता हूँ बीआरसी, वहां कोबरा क्रेट वाइपर्स बहुत है। तो कोबरा क्रेट के बाद नॉर्मली ये फीडबैक आता है कि बच्चा खेल रहा था, फिर घर आया तो सडनली उसको वोमिटिंग फील होने लगा, उसको ये होने लगा। बच्चे खेलने में इतने मशगूल रहते कि उनको छोटी मोटी चोट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एक प्रॉब्लम है, घर जाके बताओगे तो मार खानी पड़ेगी, तो वो भी नहीं करते। तो ये जो छोटी सी उंड है, बच्चे छुपाने की कोशिश करते, पहला आधा घंटा तो छुपाते और फिर बाद में दे विल स्टार्ट हैव माइनर स्वेलिंग। तो ऐसे लगता है कि यहाँ थोड़ी चोट लगी, मतलब ब्रूसेस लगे या कट लगा, साथ ही में धक्का भी लगा होगा, तो वहां स्वेलिंग हो रहा है। आगे की स्टेज के बहुत खेला आज दिन भर, तो शायद नहीं, सांप के काटने के बाद आपको लिंक मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाथ पांव जोड़, यहाँ पे आपको थकान जैसे थोड़ा वीक फील होने। आगे की स्टेज जो मैं बोल रहा था कि मेरे गांव में किसी मांत्रिक को उपचार करते हुए मैंने देखा, विक्टिम जिस पेशेंट जिसको काटा हुआ है उसकी आंखें खुल ही नहीं रही, और ये मांत्रिक भाई साहब ने कहीं से राख उठाई और उसके दोनों आंखों में, अभी भाई साहब ऑलरेडी पेन में, ऊपर से उसके आंख में इन्होंने राख डाल दी, उसकी भी जलन अलग, और ऊपर से वो लो रो रहा है, बिलख रहा है और सो रहा है, और ये उसको सोने भी नहीं दे, दैट इज गुड। नॉर्मली विक्टिम्स को सोना नहीं चाहिए, उसका सलाइवा ड्रिप होने लगेगा, तो वो भी ड्रिप हो रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो शायद राख उसके मुंह में चली गई या कुछ ऐसा। ये आज की स्टोरी नहीं है, मैं जब छोटा था 10-15 साल पहले उसकी बात है। ये सारे लक्षण हैं, स्वेटिंग होगा, अंदर पेट में कुछ फील होगा, मतलब ये नॉर्मली सीएनएस मतलब कोबरा और क्रेट के मामले में होता है, बट मुझे जब पीट वाइपर काटा था तो काफी चला, तो 1 घंटा चलने के बाद जब एम्बुलेंस गया तो सडनली ड्राइनेस, माउथ सूख गया पूरा ऐसा, और सडनली पेट में ऐसा हाई इंटेंसिटी पेन होने लगा। तो ये सारी चीजें जिनके इफेक्ट होते हैं जो दिखाते हैं कि बॉडी के ऊपर अभी वेनम का इफेक्ट होने लगा, वेनम फैलने लगा। तो इसके लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट नो है जो हम आपको आगे बताएंगे। इफ अनट्रीटेड द विक्टिम डाइज ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल पैरलाइज। आप समझ सकते हैं उस सिस्टम को कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसको कंट्रोल करता है ब्रेन, और ये जो सारी सिस्टम है इन सिस्टम के ऊपर कोबरा और क्रेट का इफेक्ट होता है। इसमें बहुत ज्यादा मराठी है, उसको वैसे हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और चाहिए तो मैं इसको जूम करके यहाँ थोड़ा रख देता हूँ, तो आगे कोई पढ़ना चाहता है तो आप उसको समझ सकते। लेट्स गो फर्दर, हम बात करेंगे अभी क्रेट, बैंडेड क्रेट। सेम, दांत छोटे होते हैं बट वेनम ज्यादा पोटेंट होता है। साइंस ऑफ वेनम वेनम इफेक्ट आर सिमिलर, बट एक ही चीज है कि पेट में और जॉइंट्स में ज्यादा सीवियर पेन होता है कंपेयर टू कोबरा। मुझे इसका अनुभव नहीं है, घर वाले लेने नहीं देंगे। और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि मैंने क्रेट या कोबरा ऐसा डिस्टिंग्विश पेशेंट नहीं देखा, मतलब मेरा वो एक्सपोजर नहीं है। डॉक्टर साहब को इसके बारे में या स्नेक फ्रेंड्स जो होते हैं जो लेके जाते हैं विक्टिम्स को नॉर्मली, ये इसके बारे में आपको अच्छे से बता सकते हैं अगर उनका नॉलेज कंपाइलेशन एंड डिक्टेशन अच्छा है।
मतलब चीजों को जानना जरूरी नहीं, आपको ठीक से बताना भी आना है जिम्मेदार तरीके से। तो इस मामले में मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ये मैंने कहीं पढ़ा, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। नेक्स्ट, तो मणयार का मराठी रहे, तो यहाँ पे आपको मैंने मराठी पोर्शन दिखा दिया। अभी हम चलते आगे, रस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ सेवियर पेन एंड स्वेलिंग है, मेरे मामले में तो पिट वाइपर था, छोटा रहता है, कम वेनम डालता है। तो इसके मामले में तो आपको अंदाजा नहीं होगा कितना वेनम डाले। इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट इनको इतना भी चाहिए पकड़ी है कि काटने के बाद सेवियर पेन होगा, स्वेलिंग होगा, बाइट पे, अफेक्टेड लिंग पे ब्लिस्टर आने, फोड़े आने लगे और वो फटने लगे, पल्स इरेगुलर हो जाएगा तो ब्लड सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ब्लीडिंग थ्रू द नोज यूरिन वाया मोन्स, वाया द मोन्स लिखा है, माउथ है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने जो मेरे पिताजी का उदाहरण दिया उससे मैंने ये अज्यूम किया कि शायद रसेल या फिर सॉफ्ट स्केल हो सकता है, इफेक्ट थोड़ा कम था तो लगा कि सॉफ्ट स्केल हो सकता है। एंड वैसे ही रसेल काफी बड़ा रहता है, वो उसका बॉडी महसूस होगा इतना बड़ा तो रहता है, छोटा होगा उसका बेबी वगैरह तो मालूम है। एनीवेज, ये उसके मराठी में लिखे हुए इफेक्ट्स हैं। अभी हम चलते हैं सॉफ्ट स्केल। देर इज बर्निंग सेंसेशन एट साइड, दिस स्प्रेड्स ऑल ओवर द अफेक्टेड लिंग, देर इज फीलिंग ऑफ वीकनेस एट विक्टिम स्टार्ट्स ब्लीडिंग थ्रू द बाइट वुंड गम्स यूरिन। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिसेम्बलेंस मैं जो पिताजी के सिम्टम्स बता रहा था उसके साथ जा रहा था। सॉरी, ओके। अभी यहाँ आप जो पढ़ रहे हैं, विषा मड़े रक्ताचा गुठड़िया होता है, मतलब ब्लड ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाता है, क्लॉटिंग टाइम बहुत अफेक्ट करता है ये चीज। ये सारी चीजें जो है, ये चीजों का इंसान ने उल्टे तरीके से फायदा करके इसको दवाई की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सी स्नेक के मामले में हम जाएंगे नहीं, इफेक्ट्स आर सीवियर, पैरालाइज हो जाता है सिस्टम और 1 3 से 6 घंटे में यूरिन पूरा लाल होकर इंसान पड़ने की कतार पे पहुंच जाता है। फर्स्ट ए, सांप काटने के बाद क्या करना, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, हिंदी में और इंग्लिश मिक्स में मैं बताना चाहूंगा। सांप काटने के बाद पहला टारगेट है बकेट लिस्ट, ओनली लिस्ट, विश, PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जहां पे आपका कोई कांटेक्ट है दूर दूर से तो पूछ लीजिए एंटी स्नेक वेनम वहां पे है क्या, और वहां पे पहुंचना। फर्स्ट टारगेट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंच। इसके पहले भी एक प्रिलिमिनरी टारगेट रखता कि गलती से सांप काट ले और आपके पास उस माइक्रोसेकंड में दूरी बनाते हुए फिर से वो काटे नहीं, ऐसा अंतर बनाते हुए उसको पहचानने की क्षमता है या आजू बाजू में किसी में पहचानने की क्षमता है, तो आप उसके पीछे एक 2 4 मिनट वक्त जाया कर सकते हैं, ताकि आपको ये समझे कि काटा दुख रहा है, खून भी आ रहा है, बट वेनमस ने काटा कि नॉन वेनमस, नॉन वेनमस भी काटा है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको PHC जाना है। सांप काटने के बाद मैं तो बोलूंगा PHC जाना ही, कभी क्या इफेक्ट दिखेगा इसकी मैं स्टोरी आपको आगे बताऊंगा। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वॉश द वुंड थरली विथ वाटर, नो, फर्स्ट इज काम, शांत हो जाइए, अगर आप पेशेंट है डर गए हो तो दूर ही हो जाए, ये अच्छी सेफ जगह पे बैठ ही जाइए, बता दीजिए किसी को, उस जिसको आपने बताया उस वेल विशर को क्या करना है, पहले तो आपको शांत करके आपके जिस ऑर्गन में, चलो हाथ की उंगली में काटा तो हाथ की उंगली को बॉडी के नीचे की तरफ रखते हुए उसको स्टैंड स्टिल मतलब स्टेडी कर देना, हाथ में काटा है तो वहां पे स्टेडी कर देना, जैसे हम बोलते हैं ना हाथ फ्रैक्चर हो गया तो ऐसे उसको ऐसे स्टेडी कर देते हैं, उसको इमोबिलाइज करना मतलब मूवमेंट नहीं करना, क्यों, मूवमेंट होगा तो वहां पे ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, वहां ब्लड जाएगा तो वापस आएगा हार्ट में आएगा, साथ में कुछ मात्रा में वेनम भी लेके आएगा, वो वेनम सब जगह फैलेगा और बैड इफेक्ट ज्यादा, तो कम से कम वेनम फैले इसके लिए आपको कम से कम हार्ट के ऊपर पंप करने का जोर करना है, और कम से कम पंपिंग के लिए कम से कम फिजिकल एफर्ट्स का मतलब शांत बैठना, गहरी सांस लेनी है और शांत बैठना। ओके, ये शांत बैठना है मैं 50 बार बोलूं तो भी कम पड़ने वाला है कि सचमुच शांत बैठ। तो आगे हो सके तो वुंड को साफ करिए, नहीं करेंगे तो भी कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि ये चीजें दो है, वेनम जो अंदर गया वो हिंदी पिक्चर की तरह खींच खींच के बाहर नहीं आने वाला। दूसरी चीज, वहां पे इन्फेक्शन होगा, अगर आप कचरे में वगैरह बैठे हैं तो जख्म में इन्फेक्शन भी होगा, वेनम भी होगा, तो आगे जाके आपको गैंग्रीन हो सकता है, वाइपर कैटेगरी में तो और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वाइपर कैटेगरी के वाइप्स के बाद पेशेंट के लिंग का
क्या हाल हुआ है ये कभी इंटरनेट पे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सांपों से दूर क्यों रहना। एज शोन इन इलस्ट्रेशन, क्रेप बैंडेज की जहां तक बात करें, क्रेप बैंडेज बांधना है नहीं बांधना है इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन है। वाइपर कैटेगरी में तो नहीं बांधना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले कोबरा क्रेट कैटेगरी में आप बांध सकते हो, बट एक्सपर्ट नहीं है तो इसमें नहीं पड़ना है। हार्ट की तरफ ब्लड कम से कम चाहे, इसलिए लीम को नीचे की तरफ रखना है हार्ट से और शांत रखना है। हो सके तो विक्टिम को बिल्कुल हिलने नहीं देना, उठा के लेके आना है, और आप चलते भी लेके आ रहे हो तो उसको मेंटल या फिजिकल प्रेशर मत दीजिए। मतलब बैग उसके कंधे पे मत रखिए, पानी का बॉटल उसके हाथ में मत दीजिए, और कुछ 10 चीजें हैं तो खुद उठा लीजिए। एक नॉर्मल आदमी 10 चीजें उठाने से मरेगा नहीं, पर सांप काटे हुए आदमी को अगर थोड़ा भी फिजिकल एफर्ट होगा तो द हेंस फोर्थ इफेक्ट विल बी, फर्दर इफेक्ट विल बी वेरी वेरी डेंजरस। इसमें एक चीज मैं बोलना भूल गया जो सबसे पहले आनी है, मेंटली शांत करना बोला होगा शायद, या जो डर गया है उसको समझाना कि कुछ नहीं होने वाला है, आई एम देयर टू हेल्प यू, और हम पूरी तरह इस चीज को अच्छे से हैंडल करें। नहीं तो वही आदमी 10 लोगों को फोन कर रहा है, फिर उसमें से एक मांत्रिक को लग गया, फिर मांत्रिक वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि आप आ ही जाओ, किसी धर्म स्थल के आप 50 चक्कर मारते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वेनम इधर चला जाएगा उधर चला। तो ये सब गलत एडवाइसेस न मिले, इसलिए आप खुद ही केस हैंडल करिए, और आप खुद काटा है और आप ही पर हो, आप ये समझिए कि ये सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन है, डॉक्टर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल ASV का होना और देना। ये होगा तो सब ठीक हो सर आपकी जाएगा, आवाज नहीं नहीं आ तो। रही। अच्छा एक मिनट होल्ड, सॉरी माइक पहले तो आप बंद रखिए। आवाज शायद आपका नेटवर्क वीक है क्योंकि आपकी आवाज मेरे को आ रही थी तो कट कट के आ रही, तो YouTube पे वीडियो डालेंगे उसमें क्लियर वॉइस होगा क्योंकि हमारा नेटवर्क ठीक। इन्फॉर्म द डॉक्टर इफ द ओके सर, विक्टिम इज ओके। असिमेटिक। अभी आप प्लीज माइक ऑफ रखिए। आप सोचिए कि सब जद्दोजहद के बाद आप हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां पे पहले तो सांप काट के मत लेके चलिए। डॉक्टर कोई सफेरा नहीं होता है, नहीं कोई हर्पिटोलॉजिस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को तो सांप देखने के बाद चक्कर आ जाए फिर डॉक्टर को इंजेक्शन देना, तो डॉक्टर नर्सेस को बचाना भी आपका काम है। सांप काट के मत लेके जाओ, ओके, या सांप को वहां लेके पुतिंदा मत लेके जाओ। आपको होता है तो आजकल मोबाइल में तो सब अच्छे अच्छे फोटोशूट होते हैं, फोटो निकालो वीडियो निकालो, बट सांप मत लेके जाओ। दूसरी चीज, पेशेंट की सारी जानकारी सुन के रखिए आप उसके साथ में, किस कुछ गोली की एलर्जी है, कौन से प्रॉब्लम है, डायबिटिक्स है क्या, किडनी का प्रॉब्लम है क्या, लंग्स का प्रॉब्लम, तो डॉक्टर को वहां ब्रीफ करेंगे। तो जब एंटी वेनम देते हैं तो बॉडी का रिएक्शन बहुत सीवियर होता है, मतलब मैं जाते वक्त बीच में मुझे एक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट वहां जाने के बाद एंटी वेनम देने के बाद ऐसा लगा कि शायद अभी मैं नहीं बचूं। ये एक बार नहीं हुआ, जब यहाँ से बीआरसी हॉस्पिटल चला गया तो बीआरसी हॉस्पिटल में फिर से जब डोसेज रेगुलराइज करने लगे और मैं आईसीयू में था, तो बहुत सारे लोग पहले 24-48 घंटे तो यही देखने आते थे कि अभी चलो अगले 24 या 48 घंटे में यहाँ फिर से आना है, इसके साथ कहीं और जाने। तो आप समझ सकते हो कि ASV देने के बाद बॉडी का रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि अभी टाटा बाय बाय होने ही वाला है, मतलब शिवरिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये ASV के अपने इफेक्ट्स है जो आपको मालूम नहीं है, तो आपको जिसने पहले ASV लिया है, जिसको इसके बारे में जानकारी है, उससे एक अपग्रेडेशन रखना है, नहीं तो आप बेवजह डर जाए। पहले तो सांप ने काटा इससे डर गए, पेन हो रहा है आपको, इंटरनल वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत सारी और चीजें हो रही है, रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, जगह पता नहीं, ये प्रेशर्स है, और इसके बाद वहां जाने के बाद जब मिला ASV तो उसके इफेक्ट्स के कारण आपको लगा कि मैं अभी मरने ही वाला हूँ, तो दैट्स नॉट गुड फॉर यूअर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। उसका भी इफेक्ट होता है, जब आप आपका हौसला बुलंद होता है तो नॉर्मली यू विल नॉट गेट अफेक्टेड फिजिकली अलसो। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखें कि हौसला अफजाई का काम करना सब आजू बाजू वालों का काम है, डॉक्टर नर्सेस नॉर्मली ये नहीं करते, जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ तुम लोग जाते हो, यहाँ आ चले जाते हो, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ASV होता है जो कम कीमत पे होता है, बाकी जगह पे लाखों रुपए लेते हैं। मैं गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, अच्छी तनख्वाह है, फिर भी मैं दौड़ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही गए, क्योंकि पैसा जरूरी नहीं है बट वहां पे अवेलेबिलिटी होती है, और बाकी जगह पे आपको सिर्फ काटने के लिए ही डॉक्टर बैठे रहते हैं। ऐसा बोलूँ तो ज्यादा गलत नहीं होगा, किसी को बुरा लगने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, ये मराठी में लिखा है कि प्रतिबंधक उपाय क्या है, तो मैं ये स्लाइड
अच्छे से यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप उसको फुर्सत से पढ़ सकें। ओके, तो दवा खाने में लेके जाना है डॉक्टर, पेशेंट को ज्यादा फिजिकल एफर्ट्स नहीं करवाने हैं, और उसका जो ऑर्गन है जहां काटा उसको हार्ट के नीचे वाले लेवल पे रखना है, किसी भी हालत में उसको डीमोटलाइज नहीं करना। सापान बदल क्या अंधश्रद्धा, ये तो आज का ही टॉपिक है, बट इसमें जाने के पहले हम चलेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सर्पदंश होने की काटी, प्रिकॉशंस टू अवॉइड द स्नेक बाइट। अभी आपको समझना जरूरी है कि सांपों का डर जो हम महसूस करते हैं वो बेबुनियादी नहीं, बट कौन से कैटेगरी के लोगों को सांपों का डर है, जो गाँव में रहते, ट्राइबल आदिवासी लोग तो जंगल में ही रहते, दूसरे कैटेगरी के लोग हम जैसे जो गांव में रहते हैं बट तो आजू बाजू में बर्ड सेंचुरी के कारण पहाड़ बहुत करीब। अच्छा, अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रहा है, मुझे इंस्ट्रक्शन मिला तो मैं करीब लेके बात कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक से सुनाई दे। तो हम बात कर रहे थे कि सांप न काटे इसलिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो पहले शुरुआत करेंगे भाई जंगल। ओके, व्हेन क्लाइंबिंग थ्रू द फॉरेस्ट, कुछ गड़बड़ हो गया। व्हेन कैप और हैट और कैप ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द बाइट्स। ओके, अभी जब भी आप जंगल सफारी पे, जंगल वॉक पे, रॉक क्लाइंबिंग पे जाते हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप वहां कभी तो आते हो बट सांप वहां रेगुलर विजिटर, उनकी जगह है एक्चुअली। हम जहां हमारी जहाँ बिल्डिंगें बनी है वो भी उनकी जगह थी, तो जैसे बिल्डिंगें बनी तो भाई साहब शिफ्ट होते होते अभी एक छोटी सी जगह में सिकुड़ के रह गए हैं। तो वहां तो उनको फ्रीडम है कि वो हमको, हम दिखे तो हमको दौड़ाए, हमको भगाए, डराए, तो वो करते नहीं है। वैसे उनकी सोच उतनी इवॉल्व नहीं है, बट कभी इस तरीके की चीज हो जाए तो वो भी अवॉइड किया जा सकता है अगर आप गम्बूट पहने हुए, आपके हाथ में अच्छे ग्लोव्स हैं। सपोज किसी पेड़ के या टहनी के नीचे से जा रहे थे, वहां पे बाम्बू बीट वाइपर या वाइन स्नेक या ब्रॉन्ज बैक बैठा था और उसको ऐसे ही मन किया कि भाई कुछ हॉट बॉडी जा रही है, चलो काट लेते बाद में खा लेंगे, तो उसको समझ में भी आता है कि नहीं, पता नहीं कि कितनी बड़ी साइज की बॉडी है, तो वो काट सकता है। तो आपको कवर करना है, तो बेटर ऑप्शन फॉर द कवरिंग हेड इज हैट कैप। फॉर शूज के लिए तो जंगल में या हरियाली में कहीं भी जहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है वहां पे शूज, शूज सिर्फ एंकल नहीं तो ऑलमोस्ट शिन गार्ड के साथ भी आप जाएंगे, काप गार्ड के साथ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्नेक बाइट जो है वो घुटने के नीचे या हाथ पांव में उंगलियों की तरफ होते हैं। वेरी रेयरली विल फाइंड कि किसी के सर में या कान में काट लिए। ओके, तो ये आपको करना हो। रॉक क्लाइंबर्स को क्या करना चाहिए, ये मैंने पढ़ा था, लोगों को पढ़ाया था, फिर भी मैंने रॉक क्लाइंब करते वक्त उस पर गौर नहीं किया तो मुझे बाम्बू बीट वाइपर ने काटा। तो आपको क्या करना है वो बता दिया है यहाँ पे कि जब भी रॉकी क्रेवाइसेस में हाथ बाहर डाल रहे हो, वहां से निकली हुई कोई जड़ को आप पकड़ रहे हो, तो ये भूलना नहीं है कि जड़ जैसा ही दिखने वाला सांप होता है। उसको लगेगा अपने हाथ पकड़ा, उसको लगा कोई पंछी आके बैठ गया, हॉट ब्लड, उसने आओ ने देखा, ताओ 1 सेकंड में 3 बार बाइट करके आपको 3 बाइट दे दिया, और अभी सोच रहा है कि जैसे ही ये मलूल होके गिर जाएगा मैं इसको खा के अपने पेट की शांति करूंगा। तो बाद में उसने देखा कि वो छोटे से हॉट चीज के पीछे बड़ा सा आदमी था और वो आदमी अभी उसके पीछे पड़ गया, तो बेचारा डर के मारे भागता नहीं है। मेरे साथ ये हुआ, मैं उस बाम्बू पीट वाइपर को रिटर्न के पास से हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, बिल्कुल हटने को तैयार नहीं, वो वही पकड़ के चल रहा है कि ये कोई जो बड़ा सा जीव है उसको समझ में आ रहा है, वो मेरे छोटे जीव जिसको मैंने काटा था और खाने की तैयारी कर रहा था, पार्टी मनाने वाला था, उसको कहाँ ले गए, वो तो मेरा हाथ था ना, तो उसको समझ में नहीं आया। तो आपको ये पकड़ में, दिमाग में पक्का पकड़ के चलना है कि रॉक क्लाइंबर्स को प्रिकॉशन की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे आपको समझ में भी नहीं आया। मेरे रॉक के पीछे वाले टहनी पे वो बैठा था तो मुझे तक से दिख गया, और मेरा वो थोड़ा सेंस ठीक है, मेरी वो नजर थोड़ी ज्यादा अच्छी है कि मुझे सांप वगैरह फटाफट दिख जाते, जंगल की चीजें ज्यादा अच्छे से दिखती है, शहर वाली चीजें जो डिप्लोमेटिक दिमाग में होती है ना वो मुझे ज्यादा समझ नहीं। तो वन शुड बी केयरफुल व्हाइल गैदरिंग, जैसे कि आप लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हो या कुछ भी मड़ भी इकट्ठा कर रहे हो, या गाँव में वगैरह ना वो काऊ डंग से गोरी वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीजें जब आप कोई भी जैसे खेती बाड़ी का काम कर रहे हो या वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो, ये सारी चीज में आपको मिट्टी के साथ, पेड़ पौधों के साथ, घास के साथ जूझना पड़ता है, रहना पड़ता है।
तो वहां पे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। कम से कम केयर लेने के कारण वैक्सीन नहीं पाई। आप कॉशियस रहेंगे, हर जगह आप पहले लकड़ी लेके जाएंगे, ठोकेंगे, आवाज करेंगे, तो सांप ऑब्वियसली भाग जाएंगे, वो वहां आएंगे। वॉकिंग थ्रू द फील्ड्स एंड ग्रासी एरियाज, इट्स बेटर टू वेयर सम गुड शूज कवरिंग एंकल शीन, ये मैंने बोल दिया। इन योर होम अराउंड इट अवॉइड कलेक्टिंग अनयूज्ड आइटम्स। हम हमारे आजकल के लोग, पुराने जमाने के लोगों के साथ ये नहीं होता। आजकल गांवों में भी छोटे से घर में ही उधर ही बकरी बांध के रखेंगे, उधर ही गाय बांध के रखेंगे, उधर ही लकड़ियां इकट्ठा करके, वो लकड़ी वाला हिस्सा डायरेक्टली इनके घर के साथ 100% कनेक्टेड रहेगा। तो जो वहां आया जीव, वो घूमते घामते लाइट को देखते, वहां के इंसेक्ट्स को सूंघते घर के अंदर दाखिल हो जाता है। ये मेरे घर में 10-15 साल पहले जब हम कौलारू घर में रहते थे तो रेगुलर किस्सा था। मतलब बारिश और तकरीबन उसके आसपास के पीरियड में हफ्ते 15 दिन में एक सांप तो आना ही, और उसको मारने के बाद लोग ऐसा सेलिब्रेट करते थे जैसे कि शेर मार दिया। समझ नहीं पाते थे कि आज जो चूहों का बाकी चीजों का तकलीफ हो रहा है वो इसी के लिए, क्योंकि उनके जो नेचुरल प्रिडेटर्स हैं उनको हमने कम कर दिया। एनीवेज, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, आसपास कोई ऐसी चीज न रखे जहां पे ऐसी चीज आ जाए कि जिसको खाने के लिए सांप आ जाए और फिर आपको सांपों का सामना करना पड़े और शायद बाइट हो जाए तो फिर आपको और भी तकलीफ से जूझना। एनी, दिस इज बिग पैराग्राफ, आई विल नॉट बी गोइंग थ्रू एवरीथिंग, बट अभी हम गांव में रहने वाले लोगों की बात की। अभी हम गांव से शहर से गांव में ट्रेकिंग या ओकेजनली वीकेंड पे जाने वाले ट्रेकर्स की, क्लाइंबर्स की या नेचर लवर्स की बात करेंगे, जो टेंट लगा देते हैं। फिर वहां पे अगर समझदार ट्रेकर्स भी हैं जो गलत काम नहीं करते, जैसे अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन नहीं करते, बट आप देखेंगे कि नॉर्मली कैंप फायर वगैरह होता है, और कैंप फायर वगैरह के मामले में एक चीज जरूर होता है कि मस्ती के मूड में बहुत सारी चीजें वैसे की वैसी रह जाती है। क्या रह जाती है कि टेंट सेटअप ऐसे एरिया में हो जाता है जहां पे आजू बाजू में पानी है, जरूरत भी होती है क्योंकि सुबह जाना है वॉशरूम वगैरह के लिए तो पानी करीब हो बेहतर है, बट जहां पानी है वहां पे ठंडी जगह के कारण स्नेक लव ह्यूमिड डार्क कूल प्लेसेस। तो अभी ये सब के चलते चलते सांप वहां आएंगे, कुछ जीव भी वहां आएंगे, उनको खाने भी सांप आएंगे, तो शायद आपके सामने ये बड़ा एक उनका प्रेजेंस का प्रश्न खड़ा हो जाए। सो वहां से आपको दूर रहना है। टॉयलेट बाथरूम भी आप बनाए टेम्पररी या परमानेंट तो वो भी वहां से। मुझे किसी ने म्यूट कर दिया। अभी ये तो नॉर्मली किसी को करने की जरूरत नहीं है, बट आप कर रहे हो तो आप बंद करना है लेक्चर तो कर देते हैं, बट अभी और 5 मिनट में वैसे ही लेक्चर खत्म होने वाला है, तो ऐसे मूर्ख लोगों के साथ मैं नहीं चलूंगा। मैडम आवाज आ रही है? ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, 10 मिनट में खत्म कर लेते। हम बात कर रहे थे कि जहां भी आप टेंट लगाए या घर तैयार करें वहां पे आपके घर के साथ टेंट के साथ कोई भी नेचर का डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे ऊपर से कोई क्रीपर आ रहा है, कोई पेड़ है उसकी टहनी सट के जा रही है, तो अवॉइड करना है। हमारे घर पे एक छोटा सा बटरफ्लाई गार्डन जैसा हमने बनाया ताकि बटरफ्लाईज बहुत सारे आए। किसी ने फिर से दलवी आत्माराम, दलवी आत्माराम को निकालो क्लास से, रिमूव हिम परमानेंटली। वो क्या क्या करता है देखो, गया बाहर। हाँ नहीं तो मैं निकाल देता, आपको नहीं दिख रहा है? ओके ओके ओके, मैं 1 मिनट दो मुझे, कोई दलवी आत्माराम था उसको, वो तो भाग गया। इतनी भी औकात नहीं है अपने इधर के लोगों में कि सच का सामना कर सके। तो अभी चलो उनको छोड़ो। सो
वी वर टॉकिंग कि हमारे घर पे घानेरी का बड़ा सा पौधा बड़ा होते होते वो फर्स्ट फ्लोर तक आ गया, जो विंडो की ग्रिल है किचन की उधर से ऊपर की तरफ जा रहा था। बहुत सारे बटरफ्लाई आते थे क्योंकि हवा में है, तो वहां पे लिजर्ड्स वगैरह बटरफ्लाई को खाने के लिए कम होते थे। तो एक दिन क्या देखा, किचन की विंडो में बड़ा सा रैट स्नेक मैडम ने देखा और मुझे इन्फॉर्म भी किया ऑफिस में। तो मैंने बोला कि ये अपनी ही गलती है कि हमने इस तरीके से किया, वहां पे बटरफ्लाई को खाने के लिए लिजार्ड्स आया होगा सरडा और उसको खाने के लिए नीचे से रैट स्नेक आया। वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं, क्लाइंबर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे घर पे मैं खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर किया था, तो डरा नहीं क्योंकि मुझे ये सब चीज की थोड़ी आदत है। बट ऐसे हो सकता है कि वो रैट स्नेक को खाने कोबरा पीछे आ जाए और वो कोबरा गलती से किसी स्लिट से अंदर आ जाए और ध्यान नहीं है तभी काट ले। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन के पीछे आप कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि आपका कितना नेचर के प्रति लव है, बटरफ्लाई के प्रति लव है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि वी कैन नॉट प्ले अनसेफ, ओके। खुद ही खुद की जान जोखिम में डालना, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो अनसेफ है तो वो सही नहीं। एनीवे, इसी तरीके से हमने आगे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं जो मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि कुछ लोगों को बहुत जल्दी है क्लास खत्म करने की। तो हमने यहाँ तक किया, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी हम पीछे जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि सांपों के बारे में कितनी सारी गलतफहमियां है। सांप रिवेंज लेते हैं, इसके लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिम्मेदार है, एटलीस्ट डेवलपिंग नेशंस की फिल्म इंडस्ट्री या मराठी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बोलूंगा। पर आपको एक बोलूं कि सांप बहुत पहले से पृथ्वी पे है, बट उनकी फिजिकल एडेप्टेबिलिटी का जो विकास हुआ वो उनके बौद्धिक विकास में नहीं देखा गया। उन उनमें बॉडी का, ब्रेन का जो हिस्सा है वो हार्डली 1% ब्रेन का हिस्सा बॉडी के बदन से, जबकि इंसान का ब्रेन कितना बड़ा होता है, फ्रंटल लोब होता है, मिडल लोब डेवलप हुआ बैक, इसमें सिर्फ ब्रेन स्टेम होता है और ब्रेन स्टेम का काम है फिजिकल एक्टिविटी करना, नो सोचना, नो गुस्सा, सिर्फ डिफेंस करना, अपने आप को बचाना, खाना, पचाना, सोना, तो ये प्रजनन करना। ये जो चीजें के लिए बाद वो रिवेंज वगैरह नहीं ले पाते, बट जैसे मैंने आपको बताया कि इससे मिलती जुलती घटनाएं होती है। आप जंगल में गए, आपने एक सांप मारा या सांप देखा और उसके जैसा ही मिलता जुलता सांप आपने रात को अपने घर में पाया, एक की जगह कभी भी दो भी पाए, तो आप बोलोगे वो क्या था। वो ये था कि आप जहां से गुजरे वहां पे फीमेल स्नेक का हार्मोन या कोई स्त्राव गिरा होगा और उस स्त्राव के ऊपर आपका जूता गिरा, वो टच हो गया जूते के साथ, वो छोटा सा स्मेलिंग चीज आपके साथ चलते चलते जूते के साथ घर आया, जूता आपने बाहर निकालने की जगह घर में निकाला, वो सांप जो आजू बाजू में होंगे जो उसी की तरह दिखेंगे, कोबरा तो कोबरा की तरह दिखेगा। अभी कोबरा में कोई नाम नहीं होता है ना, ये संतोष है, ये धीरज है, ये भाई कोई निधि है, ऐसा नहीं होता है। तो कोबरा कोबरा है, वो आया घर पे, आपने देखा, आप एकदम सदमे में कि सुबह मैंने एक को डराया था, अभी डराने के लिए मुझे या दो आ गया, कपल आ गया, तो सही है, मतलब नागिन पिक्चर वॉज राइट। ये जो गलतफहमी है इससे आपको बाहर आना होगा। स्नेक्स टोटली नॉन वेजिटेरियन है, सांप सांप को खाते हैं तो वो दूध भी नहीं पीते हैं, इसके ऊपर लंबी स्टोरी, उसका बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब बताने का अभी समय नहीं है। इतना ही कि सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, जबकि आज आपने भर भर के पिलाया होगा। स्नेक्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि रेंगने वाले जीव है, अभी रेंगने वाले जीवों के ऊपर स्किन होती है, स्केल होते हैं, तो बाल होने का, तो ये बाल कहाँ से आते हैं। ये सब कर्तव्य है स्नेक चार्मर्स के पैसे बनाने। ओके, मेल कोबराज मेट विद फीमेल रेट स्नेक, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी, मैं मेरे दोस्तों के साथ जब गाँव में बात करता था तो देखा इस तरीके का, कोई उनका क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होता खुद से, ये सब गलतफहमियां है। कोबराज कोबराज के साथ मेट करते हैं, रेट स्नेक के साथ मेट करते हैं, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। आप जो भी जंगल में देखते हो दो रेट स्नेक को एक दूसरे के साथ स्पर्धा कंपटीशन करते हुए, वो बेसिकली सिर्फ फीमेल को रुझाने के लिए किया हुआ हेल्दी कंपटीशन है। वो लोग तलवार बंदूक लेके नहीं आ सकते, ना ही लेके आते हैं, वो सिर्फ इस तरीके से एक दूसरे से कम्पीट करते। नेक्स्ट है वाइन स्नेक पंक्चर स्कल, मैंने बोला हरण टोल की ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ गलत फहमी है। पेड़ पे रहता है नॉर्मली, गिर जाता है तो हमको लगता है कि हमारे सर पे अटैक करने के लिए उसने हमला किया और या उसने जंप किया, बट ऐसा नहीं है, उसका भी तो कभी कभी ग्रिप फिसलता है, हम भी तो गिरते हैं पेड़ पे चढ़ते चढ़ते, तो वो भी गिरते हैं। क्या आपने कभी बंदर को गिरते हुए नहीं देखा पेड़ से? नहीं देखा तो सिर्फ आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, आपको कितने बंदर गिरते हुए पेड़ से मिलेंगे। बंदर गिर सकता है तो सांप तो गिर ही सकता है। तो रेड सैंड बोआ हैज नो बोन्स इन,
सबके साथ अपना एक स्ट्रक्चर है, स्पाइन है, उसको सपोर्ट सिस्टम है, उसके नीचे स्केल पैटर्न है, ग्रीप है, तभी तो चीजें आगे मूव पार कर पाती, पर दिखने में जरूर लगेगा कि इसके अंदर बोन्स नहीं है। स्नेक्स स्वेयर टू द ट्यून ऑफ स्नेक चार्म, एकदम गलत नहीं है बट कुछ गलत है। हर मूव होने वाली चीज के सामने उसको कॉन्सेंट्रेटली देख के मुझे कोई वो चीज तकलीफ तो नहीं पहुंचा रही है, ये इंसान भी करते हैं तो सांप तो जरूर करते हैं, पर उनको एक्सटर्नल ईयर्स न होने के कारण उनका जो भी नॉइज वॉइस का अंडरस्टैंडिंग है वो वाइब्रेशन। तो जैसे हम मैं यहाँ बैठा हूँ और डाइनिंग टेबल पे टक टक करूँ तो उस तरफ भी कोई है और कान लगा के बैठे तो उसको टक टक सुनाई देगी, तो मैं उसको बगैर उस कांटेक्ट के भी सुन सकता हूँ कि मेरे एक्सटर्नल, बट सांपों के नहीं होते तो उनको वो जमीन से ही सुनाई देगा। तो भाई उनको संगीत, मतलब भाई फिल्मी संगीत चल रहा है, क्लासिकल चल रहा है, कि कोई अच्छा गाना चल रहा है, कि बांसुरी बज रही है, हाँ इससे पुंगी बज रही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ वो मूविंग ऑब्जेक्ट को टारगेट करने की और उससे बचने की या उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। स्नेक्स कैन एंटर द हाउस एट नाइट इफ वन विसल्स, अभी जब सुनाई नहीं देता तो विसल क्या करे, गाना क्या गाए और ट्रम्पेट क्या बजाए, तो ये सब गलत फहमी पुराने जमाने में। जो एक ने बोला वो सब लोग सुनते थे क्योंकि वो परंपरा थी, वो धर्म था। किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठा के आज इक्वालिटी का जमाना लाया है, सबको समान अधिकार दिए हैं, तो समान अधिकार और रिजर्वेशन लेते वक्त हमको उनके विचारों पे भी चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि अंधभक्तों की तरह किसी एक स्पेसिफिक लाइन में चले जहां फायदा दिखे। द सर्वाइविंग मेट ऑफ पेयर सिक्स रिवेंज, हाँ मतलब भाई वो हिंदी पिक्चर वाला एक नाग को मार दिया तो नागिन बदला रेगी वगैरह, उसको हमने एड्रेस किया, इस तरीके से नहीं होता है, ऑब्वियस भी है। आप समझने की कोशिश करिए, मैं जंगल गया था गलती से, काम करते किसी सांप को चोट लग गई, सांप मर गया, अभी सपोज कोई मेटिंग भी हो रहा था वहां पे तो फीमेल स्नेक ने मुझे पहचाना, फिर वो एड्रेस पूछते पूछते गांव में मेरे घर तक आई, मेरे घर में 3 मेंबर है, वो हॉस्टल में सपोज 4-5 बच्चे, ऐसे पकड़ के 10 मेंबर में से उसने एग्जैक्टली रात के अंधेरे में जब मैं चद्दर लपेट के मच्छरदानी के अंदर सोया हूँ तो परफेक्टली इन 4-5 लोगों में उसने आइडेंटिफाई किया, फिर जाके मुझे काटा, फिर कुछ और किया। ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, ये तो इंसान के बस की बात नहीं है, तो सांपों में थोड़ा इम्पॉसिबल है, ये आप समझ सकते हैं। सम स्नेक्स हैव माउथ एट आइदर एंड, मैंने बोला बोला मंडोल के मामले में, रेड सैंड बोआ के मामले में, वो आगे पीछे दोनों की तरफ मुंह होता है, बट उसको जो दोनों तरफ मुंह है ये दिखाने का गलत काम स्नेक चार्मर उसको चोट पहुंचा के करते हैं, तो उनको पैसा कमाना होता है, गलत जो अंधविश्वासी लोग हैं उनको उल्लू बनाना होता है। तो आपको ज्ञान के साथ एक चीज जरूर लेनी है कि देयर इज नथिंग सुपर नेचुरल इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ है वो नेचुरल है और उसके बाद जो कुछ है वो इंसान की मेहनत का और समझदारी का नतीजा है, ऑफकोर्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नैसर्गिक संपदा का इस्तेमाल करके इंसान ने अब तक तरक्की की है, तो निसर्ग यानी नेचर का इज्जत करना है, उसका प्रोटेक्शन करना है, कंजर्वेशन करना है, पर बेवजह उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी तारीफ करने से, पूजा करने से आपको वो प्रसन्न नहीं होने वाला है, वो चाहता है कि आप खुद काबिल बने। ओके, वो एक डायलॉग है ना, वो डायलॉग अभी मैं नहीं बोलूंगा, खुदी को कर बुलंद इतना, तो उसका आगे का हिस्सा आपको मालूम होगा। स्नेक्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्रैगमेंट्स, आपको जान के हैरानी होगी, हमारे घर पे बहुत सारे रातराणी के पौधे, ऑब्वियसली अनंत भी है, मोगरा भी है, तो अभी अनंत मोगरा और रातरानी, इनकी खासियत तो ये है कि इनको बहुत अच्छा फ्रेंड है। रातरानी तो रात की रानी है, तो उसको रात को फूल आते वो फूलते हैं, फिर उनका जो स्मेल है वो तो मतलब अनकम्पेरेबल, इट्स बियॉन्ड नेचर, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल चीज उसके कंपेयर नहीं कर सकता। अभी पिछले 10 साल से हमने 2-4 कुंडी बना के रखा है जिसमें वो रातरानी है, घर में बहुत सारी है नीचे कंपाउंड, उसको उठा के हम लोग अंदर सोने की जगह के विंडो के यहाँ डाल देते हैं, रात भर नेचुरल फ्रेग्रेंस मिलता है। हमारे घर में कभी भी कोई सांप नहीं आया, तो ये गलत फहमी कहाँ से, ये गलत फहमी यहाँ से आ रही कि सपोज आप रात को देख रहे कहीं पे और रात रानी के पौधे पे आपको सांप दिखा, केवड़े के केवड़ा मर के गणपति को हम वो गणपति के दिनों में इस्तेमाल होता है ना, वो केवड़े के इसमें भी आपको सांप दिखेगा। द मेन रीजन ऑफ स्नेक्स अवेलेबिलिटी देयर इज, ये जो फूल है, ये जो पौधे है, इसके स्मेल की वजह से वहां पे कीटक इंसेक्ट्स आते हैं, उन इंसेक्ट्स को खाने के लिए लिजार्ड्स आते हैं, उन लिजार्ड्स को खाने के लिए स्नेक्स आते हैं। ये सारा कार्यक्रम रात को चलता है क्योंकि इन कुछ पौधों को रात को ही फूल आते हैं, तो ये सब के मद्देनजर ये गलतफहमी तैयार हो गई होगी, ऐसा आप
बिंदास पकड़ सकते हो। नेक्स्ट है कुछ आपको, लास्ट कुछ मोमेंट्स मुझे देने होंगे। चेकर्ड किला टर्न्स वेनमस व्हेन इट कम्स, नहीं हाँ वेनमस व्हेन इट कम्स टू द लैंड, जमीन पे आने के बाद कुछ सांप जहरीले हो जाते हैं, पानी में जाने के बाद जहर उनका कम हो जाता है। ये सब गलत फहमी है। सांप का जहर उसके ग्लैंड्स में ऊपर की विष ग्रंथि में रहता है, वो फैंग्स से नीचे आता है। इसमें पानी में हो कि धूल में हो कि एसी में है कि कबोड़ में बैठा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये गलत फहमी में मत रहिए कि कोबरा पानी में गिरा हुआ है और आप हीरो बन के उसको बचाने जा रहे हैं, आपको लगा वो नॉन वेनमस। नहीं, कोबरा पैदाइशी वेनमस और दीवर्ड रेड स्नेक पैदाइशी नॉन वेनमस, बट काटेंगे तो कोबरा कम पेन देगा, चेकर्ड किलबैक ज्यादा देगा, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोबरा का ज्यादा होगा, चेकर्ड किलबैक का कम होगा। एनी अनलेस द स्नेक टर्न्स बैक अपॉन इटसेल्फ, मैंने बोला कि कुछ सांप काटने के बाद पलटी मारते क्योंकि उनके फैंग्स या दांत अटक जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि गुस्से में एक पाइथन मेरे हाथ में था, उसने खुद को ही काट लिया, खुद को, मुझे नहीं, खुद को काट लिया, और इतना जोर से काटा कि बाइट छुड़ाने के बाद उसके बॉडी में ही उसका दांत। तो एकदम ही दिमाग से पैदल पॉपुलेशन है स्नेक्स, आपको उनके दिमाग के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल जीव की तरह उनसे बचने की जरूरत। जैसे सिंपल, जैसे कुत्ता, जैसे आप वॉक पे जा रहे थे, कुत्ता पीछे आएगा तो हम क्या करते हैं, उस तरीके का एटीट्यूड एग्जैक्टली नहीं रखना है, बट आप समझ सकते हो कि हम उस मामले में कुत्ते को दोष नहीं देते या उसको उस तरीके से नहीं सोचते कि हमारे पीछे लगने वाला। उस तरीके से ही एक जीव है, वो कुत्ते से भी कम इवॉल्व है, ये आप पक्का दिमाग में पकड़ लीजिए। नीम लीव्स और चिली स्वीट टेस्ट, नथिंग स्वीट टेस्ट, नीम तो कभी स्वीट नहीं टेस्ट करेगा और चिली भी कभी स्वीट टेस्ट नहीं करेगी। करेला में गुड़ डालते हैं इससे सब्जी कभी कभी ओकेजनली एक स्पॉट पे स्वीट लगती है, बट जब करेला मुंह में आता है तो कड़वाहट दिखाता ही। तो बताने की बात है कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जहर वेनम का इफेक्ट होने के बाद आपको तीखी चीज तीखी नहीं लगती, आ, आ, कड़वी चीज कड़वी नहीं लगती, तो लोग बोलते हैं कि भाई ये मीठी लगती। इन सबको छोड़ो, इस स्टेज पे आप अगर पहुंच गए और अभी भी आप पीएचसी से और एंटी स्नेक वेनम से काफी दूर है तो आपका टिकट कट गया, ऐसा आप सोच। ये सब चीज करने के पीछे आप जो वक्त जाया कर रहे हो उसका साइड इफेक्ट ये है कि वेनम आपके बॉडी के अंदर घुस रहा है और आपके सिस्टम को डैमेज कर रहा है। एक स्पेसिफिक डैमेज के बाद उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो लोग मरते हैं ना सांप के काटने के बाद। तो आपको ये सब चीज में वक्त जाया नहीं करना। पाइथन सक देयर प्रे, मैंने बोला था पहले पार्ट में कि मुझे कैसे लोग डराते थे स्कूल जाने के पहले, तो भाई ऐसा कुछ सकिंग बिकिंग नहीं होता है। पाइथन्स विंट्स, ये भी मैंने बोला कि उसको ये सब चीज की जरूरत नहीं होती, 40 टाइम्स उसका डाइजेशन सिस्टम फास्ट काम करने लगता है, तो जो भी प्रे अंदर चला गया वो सब डाइजेस्ट होने लगता है, नथिंग इज लेफ्ट, और कुछ स्पेसिफिक गुड चीजें रह गई तो उसके टॉयलेट से बाहर आता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ द बीटल, चैंटिंग ऑफ मंत्रास हैज एंटी वेनम एक्शन, मंत्रोपचार करना या किसी धर्मस्थल के चक्कर लगाना या किसी चद्दर को ओढ़ लेना, अंगारा दुपारा, ये सब चीज काउंट नहीं होती है। ये मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ और जो भी ये मैं गलत बोल रहा हूँ वो प्रूव करेगा, उसको मैं कुछ नहीं देने की जरूरत है। बहुत सारी संस्थाओं ने लाखों करोड़ों के इनाम लगा के रखे हैं खुद की जेब से पैसा खर्च करके, तो ऐसे रिफॉर्मेटिव संस्था ही आपको भारत रत्न दे देंगे अगर आप ऐसा कुछ मिरेकल प्रूव करो। ओके, एक्सट्रैक्ट ऑफ बिटल लीफ एंड सो ऑन सो न्यूट्रलाइजेस वेनम, नथिंग न्यूट्रलाइजेस वेनम एक्सेप्ट एंटी स्नेक वेनम, ईटिंग ऑफ कजरा छोड़िए, एप्लीकेशन ऑफ रेड हॉट आयन, ये तो सोच ही नहीं सकते। ये सब मांत्रिक वाली ट्राइबल्स वाली जो गतिविधियां है ये नए साइंस ने प्रूव कर दिया कि इट इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड, अनबिलीवेबल एंड नॉट हैपनिंग। तो करिए मत, अंधविश्वास से दूर रहने के लिए ही ये लेक्चर था कि सांपों के बारे में ज्ञान बढ़ाइए, अंधविश्वास गलतफहमी मत बढ़ाइए, क्योंकि सांप हमारे मित्र इसलिए है क्योंकि जो कृतंक प्राणी है चूहे जैसे, जो हमारे खेती बाड़ी के प्रोडक्ट का 60-80% नाश करते हैं, उनको खाने का काम साफ करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, इंसान को जो आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द की तकलीफ है, इनके ऊपर जो पेन किलर बनते हैं वो सांपों के जहर का एलिमेंट्स जो है उनका इस्तेमाल होता है। कुछ सांपों के जहर में क्लॉटिंग टेंडेंसी होती है, उसका इफेक्ट जो आपकी क्रिटिकल सर्जरी, जैसे ओरी की सर्जरी है, गर्भाशय है, या फिर आपके आँख के बुबुल, मतलब जो आपका आँख का बॉल है उसके अंदर जो सर्जरी होती, वहां के एप्लीकेशन के लिए यही क्लॉटिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाल ही तक, मतलब पिछले 1-1.5 साल पहले मैंने कई आर्टिकल जर्नल में पढ़ा था इंटरनेशनल,
ये आर्टिफिशियली एंटी स्नेक वेनम बनाने की किसी एक सांप के ऊपर की मास्टरी हासिल कर रहा है कोई लैबोरेटरी यूरोप का। और आपको मैं एक बता दूं, उसके कई पहले से एंटी स्नेक वेनम बनाने का काम स्नेक के वेनम से हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुरहाड़ीता डांडा गोता सांप, सांप का जहर ही हमको सांप से बचा रहा है और सांप को तकलीफ दे रहा है, नहीं तो कब के सांप हमको वो दुनिया से भगा चुके होते। तो ये सब चीज जो इंसान ने तरक्की करके मास्टर की है, उसको पढ़िए, वो समझिए, उसमें तरक्की कीजिए, उसमें अपनी रोजी रोटी बनाइए, ना कि गलत फहमी फैला के लोगों को उल्लू बना के और झूठ के सहारे और फेंकूगिरी करके। कोई फायदा नहीं होगा इससे, देश तरक्की नहीं करेगा। देश की तरक्की के लिए हर व्यक्ति को विज्ञान का सोच रखना होगा, जिसको वैज्ञानिक सोच बोलते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट बोलते हैं, और वो जीव मात्र के साथ, नेचर के साथ अपने डेली व्यवहार में लाना होगा। इतना कर दिया तो आपने जिन सूझबूझ वाले एंसेस्टर्स और लोगों की मदद से ये जो सुख समृद्ध जीवन आप जी रहे हैं, इसकी समृद्ध, उसको आपने श्रद्धांजलि या कुछ आदरांजलि अर्पित कर दी, ऐसे हम सोच सकते। तो आज के टॉपिक में आपको कुछ भी मेरे बारे में गुस्सा आया, अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे नंबर है 9967584554, व्हाट्सएप करके जो भी आपका फीडबैक है दे सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं। लेक्चर तो यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, टाइटल यही रहेगा, स्नेक मिथ्स एंड फैक्ट्स, संतोष टकले। तो आप प्लीज आपका फीडबैक दे सकते हो। आज के लिए आखिरी संदेश यही है, इस संसार में हर जीव जरूरी है, सबको समझने की क्षमता इंसानी दिमाग में है, क्योंकि उसका विकास उत्तर उत्तर होते गया, क्योंकि हमने और हमारे पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल करने की चाह रखी, तो वो चाह आगे बरकरार रखिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसको बढ़ने के लिए 5 साल दर 5 साल पढ़ते रहिए, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा ही नहीं। और प्रैक्टिकली यूट्यूब वीडियोस देखिए, कुछ और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो कभी भी आप हमको व्हाट्सएप के मैसेज द्वारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी आर इंटू मेनी प्रोजेक्ट्स विच आर सोशल, रनिंग सोलली ऑन माई मनी, और जो वो प्रोजेक्ट में टेम्पररली छोटा छोटा आता है पैसा, उससे चलता है। तो कोई भी अच्छे काम के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग, एंड वंस अगेन ऑल ऑफ यू आई एम विशिंग वेरी हैप्पी नाग पंचमी। अभी ऐसा बोलते हैं कि नहीं मालूम, पर आज के दिन आपका नॉलेज बढ़े, आप सांपों के बारे में रिस्पेक्ट और ज्ञान बढ़ाए। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन फॉर अटेंडिंग। अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है तो आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। शुक्रिया। बाय बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। चलो, देर आर नो क्वेश्चन, सो वी विल